मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी है आपकी सुबह? वैसे अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे पता लगेगा दिन कैसा अच्छा गुजरेगा या कुछ गड़बड़ गुजरेगा या सोसो गुजरेगा। आज हम क्या करने वाले हैं शो पे मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हमेशा मैं कोशिश करती हूँ ना आपको कुछ शो पे कुछ सिखाऊँ और कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ों के हवाले से कि वो नहीं है तो इसको इस्तेमाल कर ले, सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव। लेकिन वो चीज़ों के तो होते हैं, मगर कभी कभार कुछ रिश्तों के, कुछ लोगों के ऑल्टरनेटिव नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी अम्मा की गोद में जो आपको सुकून मिलता है ना, वो सुकून वो और किसी की गोद में नहीं मिलेगा। आपके अब्बू जो आपको हाथ पकड़ के चीज़ें सिखाते हैं ना, उस तरह का टीचर, उस कन्विक्शन के साथ, उस मोहब्बत, प्यार, पेशेंस के साथ और कोई आपको नहीं मिलेगा। खैर, किसी के अब्बू बहुत सख्त भी होते हैं, उनसे गाड़ी सीखने में के लिए तो हम दूर दूर तक रहते हैं कि नहीं अब्बा से गाड़ी नहीं सीखनी। जो दोस्ती आपको आपकी बहनों से मिलेगी, उतनी मुखलिस, उतनी प्यार करने वाली, उतने आपके राज अपने सीने में दफन रखने वाली कोई दोस्त आपको नहीं मिलेगी। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका ऑल्टरनेटिव नहीं होता। आपका भाई ऐसा आपकी इज्जत का रखवाला, या आपको कोई कुछ कह दे तो किसी और का गिरेबान पकड़ के लड़ने वाला, आपके लिए पजेसिव ऐसा कोई और शख्स आपके भाई के अलावा नहीं मिलेगा। और सच्ची बात यह है, मैं देख रही होती हूँ लोग बड़ा अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए सोच रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाएं, परदेश चले जाएं। बहुत सारे लोगों का फ्यूचर ब्राइट हुआ भी है, उन्होंने जाके वहाँ मेहनतें की हैं, जाहिर है, और उस मेहनत की वजह से उनका फ्यूचर ब्राइट हुआ है। लेकिन जो एक मोहब्बत, जो प्यार, जो सुकून आपको देश में, अपने देश में मिलता है, उसको आप परदेश में जाके मिस करते हैं। चाहे आपके पास पैसा हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपनी उम्र के आखिरी हिस्सों में अपने रूट्स के पास ही आना होता है, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों का ऑल्टरनेटिव होता ही नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, हम तो ये रिश्तों की बात कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है जब आप ड्रामे में कास्टिंग कर रहे होते हैं ना, सो आप एक कैरेक्टर के लिए 4-5 नाम लिखते हैं कि अच्छा, अगर वो इन डेट्स पे नहीं अवेलेबल हुआ एक्टर, वो नहीं हुआ तो हम इनको कास्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप डेट्स मैनेज करते हैं, क्योंकि उनका ऑल्टरनेटिव नहीं होता कोई। उनकी जैसी अदाकारी, उनकी जैसी बॉडी लैंग्वेज, वो अपने अंदर ही इंस्टीट्यूशन का काम कर रहे होते हैं, सो इसीलिए उनका ऑल्टरनेटिव नहीं होता। और उसी वजह से बहुत सारे ऐसे माने हुए फनकार हैं जिनके इस दुनिया से जाने के बाद भी हम उन जैसा कोई ढूंढ ही नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं तो उंगलियाँ ख़त्म हो जाएंगी अगर मैं शुरू करूँगी। आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अगर हम देख लेते थे, अगर हम उनको देख लेते थे या उनको सुन लेते थे, तो हम कितना कुछ उनसे सीख पाते थे। मुईन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, शफ़ी मोहम्मद शाह साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, ऐसे और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम भुलाए नहीं भुला सकते। उनके काम को, उन्होंने जो जो इंडस्ट्री को दिया है अपनी काम के ज़रिए, उनको नहीं हम बुला सकते। सो कुछ ऐसे एक्टर्स, लेजेंडरी एक्टर्स आज मेरे शो पे मौजूद हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है उनसे इंटरव्यू करके, उनकी स्ट्रगल्स को सुनने के बाद, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें जो आजकल बहुत सारी नौजवान नस्ल को एज एन एक्टर या एक्ट्रेस या सिंगर, किसी भी टैलेंटेड आदमी को ट्रे में रख के मिल जाता है, सोशल मीडिया पे ज़रा बहुत अपने टैलेंट्स को दिखा दिया और उनको ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं। ये जो लोग आज मेरे पास मौजूद हैं, इन्होंने एक बाकायदा स्ट्रगल देखी, जो जहाँ तक पहुँचे हैं वो उन्होंने वो बहुत ही मेहनत से पाया है, और इसीलिए वो इस प्रोफेशन की कदर भी करते हैं। मैं आपको मिलवाऊंगी आज आपके फेवरेट सेलेब्रिटी गेस्ट से, जिनको आप जिस भी कैरेक्टर में ढालते हैं वो उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं, और वो अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से
आपके दिल में जिंदा हैं, कभी कभी स्क्रीन पे नज़र आते हैं, कभी कभी गायब हो जाते हैं, फिर कभी नज़र आते हैं, लेकिन आप हमेशा उनको याद रखते हैं अच्छे अल्फाज में। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए, ज़रा गपशप हो जाए और आपको मैं फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। उनके काम को डिस्कस करेंगे, उनकी स्ट्रगल को डिस्कस करेंगे और उन्होंने जो दिया है इंडस्ट्री को उसको डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी सुबह अगर अच्छी नहीं गुजरी तो मैं उसको अच्छा बनाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको अपना समझते हैं और उसके उसका रीज़न है। उन्होंने ये मोहब्बत कमाई है अपनी अपने खूबसूरत किरदारों के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए। सो आइए मैं उनके बारे में आपको कुछ बताती हूँ, आपको याद दिलाती हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ था उनका सफ़र। सो मेरी पहली सेलिब्रिटी गेस्ट हैं आपकी बहुत ही प्यारी सी, दिखाइए ज़रा पैकेज फिर बताऊँगी नाम। हेलो जी मकसूद। हाँ हाँ, वो तो जो भी हो, अब नौकरी वोकरी तो क्या ही मिलनी है, चरगा ही लेते आइएगा। और सुनिए, अपने खानदान में ढंढोरा पीटते मत आइएगा। टीवी स्क्रीन हो या स्टेज और थिएटर की दुनिया, शोज की होस्टिंग हो या बड़े पर्दे पर अदाकारी, हमारी मेहमान ने जिस जगह कदम रखा अपनी छाप बनाने में कामयाब हुई। चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर अदाकारी करके आपने अपने कामयाब अदाकारी के सफर का आगाज किया। इसी के साथ आप बड़े पर्दे पर फिल्म्स मंटो, जॉयलैंड और कमली में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। आप अपने कामयाब करियर में कमोबेश 10 मुख्तलिफ अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं, जिनमें बेस्ट टीवी एक्ट्रेस समेत दीगर अवार्ड्स शामिल हैं। सो आइए आज की सुबह आपको मिलवाती हूँ सानिया सईद से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे लगता है पता नहीं सालों बाद आप आई होंगी मेरे शो पे, बहुत पहले कभी आई होंगी। हाँ, बहुत पहले आई थी है ना। हाँ। और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बस फिर होंगी खूब सारी बातें। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू कि आप काम करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कभी सानिया को जो है ना बिल्कुल चली जाती है स्क्रीन से, फिर माशाल्लाह हम देख रहे थे, ओ वाओ ये कैरेक्टर, ओ वाओ ये कैरेक्टर। थैंक यू। कभी कभी ये इस एंथुसियाज्म के लिए चले जाना जरूरी होता है। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स हाँ, करने के लिए। हाँ। मैं आपसे पूछूंगी क्या करती हैं आप जब चली जाती हैं तो। हाँ, जरूर है ना, प्लीज आइए बैठिए। कहाँ बैठूं? आपको क्या, आपका कौन सा एंगल अच्छा है, क्योंकि सारे एक्टर्स को तो पता होता है कि हमारा ये प्रोफाइल अच्छा है ये। अब आपको किसी ने क्या बताया है? मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि मेरा कौन सा एंगल। आप जहाँ मर्जी बैठे, आप यहाँ बैठ जाओ, जहाँ आपका दिल करे। मैं अपनी दूसरी जो पर्सनैलिटी है उनको आपसे मिलवाना चाहूंगी और आप बहुत मिलकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि बड़े दिनों बाद आप उनको स्क्रीन पे मेरे शो पे देख पाएंगे। बहुत मज़ा आता है उनसे बात करने में, इतनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है और पहले भी हैंडसम थे, अभी भी हैं और रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कैसे ढलना है वक्त के साथ साथ। सो आइए वेलकम करते हैं कैसर खान निजामानी। ओए होए, ये लड़का कौन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बेहतरीन। ऐसा होता है कि बच्चे की शादी के बाद लड़का हो जाता है, लड़के का सेट लगा लेता है बंदा। या आज तो लग रहा है, क्यों नहीं? ये आप दोनों की रिफ्लेक्शन है, मुझ पे दोनों खूबसूरत तरीन खवातीन की रिफ्लेक्शन आप लोगों को नजर आ रही है। शुक्रिया शुक्रिया, मच हम्बल्ड मच हम्बल्ड। प्लीज आइए बैठिए, प्लीज आइए, तशरीफ। अच्छा, मज़े की बात ये जो मुझे अभी अभी पता चली, प्लीज बैठिए, कि आप दोनों का डेब्यू एक साथ था तपिश में। मैं हैरान रह गई सुन के। ईद तो मेरे लिए तो बहुत, आज ईद का दिन है कि सानिया साहिबा से मुलाकात हो रही है। ये मुझे अद्दा कहती हैं या अच्छा? बिल्लू कहती हैं। अच्छा, और आज बहुत दिनों बाद हम दोनों मुलाकात, बहुत दिन बाद मिले आज। खुश हो, बहुत बहुत मजे की बात है। आप दोनों ने पहली दफा जब आप स्क्रीन पे अपेयर हुए तो एक ही ड्रामा था? नहीं, मेरा शायद मेरा डेब्यू उनके साथ था। अच्छा, मेरा दूसरा था। आपका दूसरा, दूसरा था। मेरा डेब्यू आपकी अम्मी के साथ था। आए अल्लाह। हमने तपिश में काम किया था। हाँ। सायरा काजमी साहिबा का था। और हम फैमिली थे, बहन भाई। हाँ। पता नहीं मैं बड़ा था ये छोटी थी, मुझे याद नहीं है। हाँ। लेकिन मैं सबसे छोटी थी, आप बड़े थे। पता चल गया, पता चल गया। कबूल है, कबूल है।
अच्छा पता है क्या, आज ना मुझे आप लोगों से पूछना है कि कैसे स्ट्रगल करके, क्या सोचा था, क्या ड्रीम्स थे, क्या एक्सीडेंटली आ गए शो बिजनेस में, ड्रामों में, टीवी स्क्रीन्स पे, क्योंकि जिस ज़माने में हम लोग सोच रहे होते थे कि इसको करियर बनाएंगे, उस वक्त हमें इतने पैसे नहीं पता था कि हम यहाँ से कमा सकते हैं कि नहीं, तो एक शौक था। सो मुझे बारी बारी आप लोगों से ये पूछना है कि क्या सोचा था सानिया ने कि मुझे लाइक सानिया तो एक स्ट्रीट थिएटर्स करती थी कि लोगों को एजुकेट करे क्या है क्या नहीं करना, उसमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कमाई होती होगी, फिर जेब से जाते थे है ना। हाँ, और दूसरी नौकरियां करनी पड़ती थी ताकि आप थिएटर कर सकें। तो सानिया ने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल तकरीबन मास्टर्स, क्योंकि मैंने लास्ट सेमेस्टर के सिर्फ एग्जाम्स नहीं दिए। अच्छा, सानिया आपके एक भाई एक बहन, छोटी सी फैमिली। तो अब्बा की वजह से दिल हुआ कि मैं इस फील्ड में आऊँ? दिल तो पता नहीं हुआ या नहीं निदा, लेकिन बस घर में चूँकि थिएटर हर वक्त होता रहता था। हाँ, और हमारे अब्बा के बारे में बताएं ना, वो क्या करते थे? हाँ, तो अच्छा, अब्बू एक्चुअली तो लिखने पढ़ने वाले आदमी थे। हाँ, किताबें वगैरह ट्रांसलेट करते थे और प्लेज ट्रांसलेट करते थे, थिएटर करते आए थे कॉलेज के ज़माने से। तो जब उन्होंने 10 तक अपना थिएटर ग्रुप बनाया तो हम तो बच्चे थे 10-11 हाँ, साल के उस वक्त। हाँ, तो हम वहीं बैठे हुआ करते थे, बस हमारे कान में बातें पड़ती रहती थी। हाँ, वो जो एक डिसिप्लिन हम देखते थे वो हम अब्जॉर्ब करते रहते थे। अच्छा, जब हम अम्मी अब्बू दोनों ही थे उसमें इन्वॉल्व। अच्छा, तो जब अम्मी अब्बू में से किसी का सीन आता था तो कोई भी पकड़ के हमें वहाँ होमवर्क भी करवा देता था रिहर्सल में, और बस हम उनके साथ साथ मतलब हम बड़े पली बड़ी। हाँ, उसी तरह वो चीज़ देखते हुए। तो आपके भाई नहीं आए इस फील्ड में? मेरे भाई ने स्ट्रीट थिएटर किया था मेरे अच्छा, साथ उन्होंने किया। हाँ, मगर फिर वो क्रिकेट खेलने लगा तो अच्छा, इतना उसके पास फिर वक्त नहीं था और हाँ, इतना उसको इंटरेस्ट भी नहीं था। अच्छा, मेरा ऑटोमेटिकली इसलिए बन गया क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे बाकी कामों में, उस वक्त मैं एक बच्चों के ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी, उसका नाम था साथी बारह संगत। अच्छा, उसमें मैं मुझे लगता था कि ये काफ़ी मददगार साबित होता है। हाँ, वो भी हमारे अब्बा ने हमें वॉलंटियर वहाँ करवाया कि भाई आप अपना वक्त यूज़ आया करती हैं, जाएँ वहाँ पढ़ाएँ। हाँ, इतने हाँ, अच्छे स्कूल में पढ़ती हैं, जाके दूसरों को पढ़ाएँ। हाँ, तो जो हम पढ़ के आते थे स्कूल से शाम को, फिर हम वो वर्किंग बच्चों को या और दूसरे बच्चों को पढ़ाते थे। तो वहाँ मुझे लगा कि वहाँ से मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी सीखी जो मुझे लगा उनका इजहार ज़रूरी है, वो हाँ, मुझे थिएटर में मिला। हाँ, और उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे थिएटर में मिली। हाँ, खासतौर पे इस वजह से कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही थी उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर थी। हाँ, वो सब बड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग थे, उनको पता था उन्होंने क्या कहना है, उनकी आइडियोलॉजीज़ बड़ी क्लियर थी। तो हमें, मुझे तो ये एडवांटेज हुआ। फिर हम एक दिन स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे 8 मार्च के लिए, तो आपकी अम्मी एक प्रोग्राम किया करती थी आधी दुनिया। तो उन्होंने कहा कि हम वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हाँ, उस वक्त मुझे 104 बुखार था। अरे, तो और हम कर रहे थे कुम्हारवाड़ा में एक घर की छत पे। हाँ, गर्मी शदीद और ज़ाहिर है आप, हालांकि मार्च था लेकिन कराची का मार्च क्या मार्च होता हाँ, है। हाँ, तो वहाँ उन्होंने वो रिकॉर्ड किया, वो स्ट्रीट थिएटर। लेकिन स्ट्रीट थिएटर जो है ना वो सर्कल में होता है। अच्छा, तो जब वो पहुंचे वहाँ कैमरामैन को नहीं अंदाजा था कि ये तो सर्कल में होगा, तो उसने कहा कैसे रिकॉर्ड करूंगा, बैक आएगी और बैक आई। वो उस जमाने में थोड़े हम क्या कहेंगे ट्रेडिशनल तरीके से शूट होता, तो बैक आ गई तो बड़ा मसला हो रहा है क्योंकि आप उस जमाने में होता था कि जो है वो फेस कैमरे को देख के और दीवार पे हाथ रख के उस तरह की ऐसा हो रहा होता। तो उन्होंने कहा जब देखा होगा फहमीदा आंटी ने घर स्टूडियो जाके, तो उनको लगा कि ये तो नहीं ठीक हुआ, ऑडियो भी ठीक नहीं आई। तो उन्होंने कहा स्टूडियो, हम स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे, सेट्स लगाएंगे। अच्छा, वो बहुत उस प्ले की खूबसूरती ये थी कि एक कैरेक्टर है औरत का जो सारे कैरेक्टर्स करती है बचपन से लेके बुढ़ापे तक। अच्छा, तो वो एक ही करती है। अच्छा, एक्टर। मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा भाई पता नहीं, हम तो कभी टीवी पे नहीं गए, अब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब ने कहा भाई जाएं, आप अपना प्ले करने जा रही हैं, कोई मसला नहीं भाई। नहीं, अब चिल, अब चिल सीन है ना। ये भी बहुत सारी जब मैंने इंटरव्यू लिए तो लोगों को ये एक पूरी कहानी होती थी, अब्बू को कैसे मनाएं, अम्मी को कैसे मनाएं, सीरियस इशू जिसका मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अल्लाह का शुक्र। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आपने वो रिकॉर्ड करवाया? फिर हमने वो रिकॉर्ड जब करवाया तो जाहिर है जब सेट लगेगा वो हर सेट चेंज होता था, फिर उसमें जब गेटअप चेंज होता था, गेटअप भी किया उन्होंने। अरे मैं तो इतना बोर हो गई, वो तो 20 मिनट का प्ले था, उसमें 2 दिन लग गए। इतना मैं कुढ़ी, मैंने जाके अब्बू से कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, क्या ये बिल्कुल बेकार मीडियम है, कितना बोरिंग है ये। अब्बू ने कहा अच्छा भाई मत जाओ।
खैर फिर हम अपनी पढ़ाई वढ़ाई में लग गए, फिर एनटीएम स्टार्ट हो गया, एनटीएम पे एक जॉब आई, उस वक्त तक हम स्टेट थिएटर करते थे तो पैसे वैसे होते नहीं थे, हर वक्त कहते थे पैसे दे दो हमारे बतंग थे। मेरे रेलगाड़ी की टिकट के पैसे आप लोगों ने भरे थे, आपका मैंने सुनना है, आपने मुझे बताना है अभी रेलगाड़ी वाली कहानी, अभी सुनाएंगे, अदा सुनाएंगे आपको। तो अबू ने कहा भाई मैं ये मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, हर वक्त पैसे मांगते रहते, जॉब खुद कमाओ। तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी उस वक्त, एकदम मैं सो रही थी दोपहर को, तो अम्मी ने कहा देखो ये ऐड आया अखबार में, जाके ऑडिशन दे दो। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मैंने कहा नहीं चलो उठो। मैं ऐसे ही सोते में से उठ के मुंह हाथ धो के कपड़े वपड़े बदल के चली गई, एनटीएम का ऑडिशन देने, वो हो गया। एनटीएम का ऑडिशन क्या था, लाइक किसी अनाउंसर्स का? ओ अच्छा अच्छा, सो आई वाज द फर्स्ट अनाउंसर ऑफ एनटीएम फ्रॉम कराची। मुझे नहीं पता था ये बात। हां फ्रॉम कराची आई वाज द फर्स्ट अनाउंसर एंड आई थिंक एनटीएम वाज द फर्स्ट प्राइवेट टीवी चैनल आल्सो, और पहली दफा क्रोमा पे शूट होता था कुछ। अच्छा, और आपको ये बताना होता था अब ये प्रोग्राम देखिए। जी जी जी, खबरें वबरें तो नहीं पड़ती? नहीं नहीं खबरें नहीं, खबरें नहीं होती थी एनटीएम पे, तो सिर्फ हम एक रिकॉर्डेड वो अनाउंसमेंट्स होते थे बच्चों के प्रोग्राम से लेकर रात को फिल्म तक। ओके, तो वो मैंने थ्रू कॉलेज किया 11 महीने। ओके, और उससे मुझे उसमें मेरी तनख्वाह थी अदा 3,000 रुपए। मैं तो अय्याशी करती थी, रिक्शा में जाती थी, समोसा खाती थी। तो मैंने तो मतलब 3,000 खत्म ही नहीं होते थे यार, बचा लेती थी उसमें से मजाक के अलावा। तो फिर एक दफा ये हुआ कि उन्होंने ना तनख्वाहें नहीं दी 3-4 दिन, जैसा कि टीवी पे होता है, हर टीवी चैनल को पता नहीं इसमें क्या मजा आता है, सबकी तनख्वाहें रोक रोक के देते हैं, अपना कुछ नहीं रुकता, बाकी सबकी तनख्वाहें रुक जाती। फिर क्या तो उन्होंने रुक, तो मैंने आपको पता है मैं किसकी बेटी हूँ, मैंने कहा बॉस ये तो नहीं हो सकता, मैंने वहाँ हड़ताल कर दी। मैंने कहा भाई तनख्वाहें, अच्छा मेरा इतना मसला नहीं था सर। कितने साल के होंगे आप, लाइक टीन एज होगा आपका वो? हम वर्कर्स थे और आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी की तनख्वाह रोक रहे हैं, दिस इज अनफेयर, दिस इज इनजस्टिस। और मेरा इतना मसला नहीं था, वहाँ वहाँ दो ऐसी लड़कियाँ थी जिनका लाइवलीहुड यही था, जब मतलब जिंदगी इस पे थी, एंड वन ऑफ देम वाज अ सिंगल मदर। तो उस पर मैंने कहा कि नहीं, अगर ये डिमांड करेगी तो हम सब करेंगे, और सब लड़कियों ने साथ दिया उसमें, और फिर उनको जाहिर उनको देनी पड़ी, उन्होंने बाद में मुझे कहा बहुत तुम बहुत बदमाश हो। मैंने कहा हाँ जी हूँ, सॉरी। आपको पिक नहीं कैसे किया पीटीवी पे, जितने बेशुमार ड्रामे आपने किए कहाँ से पिक हुई आप पे? आई थिंक उस वक्त हो रहा था बच्चों का थिएटर टेलीविजन पे, यास्मीन इस्माइल कराची में ना बच्चों का थिएटर करती थी, जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थिएटर था, ग्रिप्स थिएटर जर्मनी की वो एडेप्टेशन थी, इमरान असलम साहब करते थे। अच्छा। यास्मीन इस्माइल उसको एग्जीक्यूट करती थी, डायरेक्ट करती थी, और उसमें बड़े लोग काम करते थे, मरीना ने भी वो एक प्ले किया है, बहरोज भाई करते थे उसमें वो प्ले, कुछ प्लेस में एक्टिंग, खालिद अनम करते थे उसमें एक्टिंग, तो फायजा काजी हमारी इंग्लिश लिटरेचर की टीचर थी सेंट जोसेफ्स में, वो करती थी उसमें। तो जब वो टेलीविजन पे कर रहे थे ना, तो यास्मीन आंटी ने मुझे कहा कि देखो तुम थिएटर की लड़की हो, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। तो उसमें वो एक कैरेक्टर उन्होंने मुझे करने के लिए कहा, तो मैं मुझे तो वो अजबर थे प्लेस, मैंने इतनी बार देखे हुए थे, पीसीसी में होते थे कराची में, तो मैं तो याद किए हुए थे। तो मैंने वो एक कैरेक्टर किया, उसमें साहिरा ने देखा मुझे। अच्छा, पीटीवी पे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की ना रुबीना अशरफ जैसी लगती है, मेरे रुबीना माय क्लेम टू फेम इज माय हेयर स्टाइल। उस वक्त ना हम दोनों का एक जैसा हेयर कट था, तो उन्होंने कहा कि ये तो उसकी बहन लगती है। तो उन्होंने हमें कास्ट किया तपिश में, जिसमें रुबीना आपा भी थी, जिसमें रुबीना आपा लीड थी, और आप उनकी बहन बन, और मैं उनकी सबसे छोटी बहन थी, और जमाल यासर अख्तर, और अब्बू भी थे, अब्बू वाज प्लेइंग आवर फादर, माय फादर, हां आवर फादर, एग्जैक्टली। अच्छा, यहां हम दोनों बहन भाई थे। अच्छा, और कैसर कैसर आंटी हमारी अम्मी थी, अम्मी थी, तो हम उनको अम्मा कैसर नकवी, कैसर नकवी, हम उन्हें अम्मा ही कहते थे, आज भी अम्मा ही कहते। अच्छा, मजे की बात उस प्ले में अगर गलती कोई भी करता था ना, तो नाम आता था कैसर का, कैसर आपा गलती कर रही होती थी, डांट मुझे पड़ जाती, मैं कहता यार या तो उनका नाम बदल दे या मेरा नाम बदल दे खुदा के वास्ते। अब आप बताएं ना अपनी, क्या मैं बताऊं कि आप कैसे, कोई और खानदान में था, जैसे इनके तो अब्बा थे, इन्होंने तो बचपन से ही देखी ना वो के भाई थिएटर, कैसर भाई का क्या क्या था? मेरा कुछ नहीं था, मेरे बाबा डॉक्टर थे और अम्मी हाउसवाइफ, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा वो था नहीं, लेकिन हम चूंकि डॉक्टर नहीं बन सके, जो कि बाबा ने बड़ी कोशिश की, लेकिन हम नहीं बन सके, तो
जब नहीं बन सके तो हम बेकार हो गए घर में, तो जब ग्रेजुएट हो गए तो क्या करें। मेरे तीन बहन तीन भाई, उनमें से कोई डॉक्टर बन सका? नहीं, उनमें से माशाल्लाह एक आईटी फर्म का ओन करता है, दूसरा एड एजेंसी में है, और मैं जो हूँ बिल्कुल फारिग। अल्लाह। तो हम किसी तरह शफी मोहम्मद शाह साहब, जिस तरह आप इंट्रो में बात कर रही थी, जी जी, तो उनके तवस्सुत से जब मैं टीवी पे गया तो उनसे आपकी क्या थी दोस्ती? भाई कुछ नहीं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा। गली में। हाँ। तो शफी साहब का घर शायद उसी गली में था, हमें मालूम नहीं था। अच्छा। उनकी कोई गाड़ी हो गई खराब, और हमें पुरानी गाड़ियों का शौक, गाड़ियाँ धक्के दे के बनाओ स्टार्ट करो, समाओ दिया था उनकी गाड़ी में स्टार्ट कर दी। ओहो। तो कहने लगे कि भाई आ जाओ सब लड़के, तुम लोग पानी वानी पिलाओ। तो हमारे एक दोस्त थे, वो कहने लगे कि चलो यार चलो शफी साहब घर चलते हैं। खैर उन्होंने कहा बेटा कभी कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताएगा, मेरा घर ये रहा। अच्छा। तो उस दोस्त ने कहा कि जी मुझे टीवी स्टेशन जाना है, मुझे ड्रामों में काम करना। तो उन्होंने कार्ड लिख के दे दिया मोहम्मद बख्श समेजो साहब के लिए। अच्छा। तो अभी कहने लगा कि यार तुम मेरे साथ चलो। हाँ। मैंने कहा चलो। दोस्त से मोटरसाइकिल ली, किसी से शर्ट ली, किसी से बेल्ट लिया, और हाँ सही बता रहा हूँ, और जो हमारे हेयर ड्रेसर उसको बोला कि यार सही से बाल बनाओ। अब हम सब कुछ तैयार होने के बाद मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। अब मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं दोनों भाई टीवी पे ना, और बस में से किसी ने मुंह बाहर निकाला और पिचकारी फेंक दी। पिचकारी फेंक दी पूरी। और वो शर्ट मांगे की थी जी, और हम टीवी स्टेशन जा रहे हैं। हाँ। अब ना पूछो मरता क्या ना करता, किसी तरह से हम पहुंच तो गए। हाँ। और किसी तरह हम अंदर भी दाखिल हो गए, लेकिन यूं ही जा रहे ना चुपते चुपाते, मैं क्योंकि बाइक चला रहा था तो मैं ज्यादा खूबसूरत हो गया था, तो छुपते छुपाते इस तरह जाके, और मोहम्मद बख्श समेजो साहब के कमरे में इतना दूर बैठा जाके मैं, और वो जिसका जिसके लिए गए थे वो साथ बैठा। तो वहाँ वो रिहर्सल चल रही थी, मुझे नहीं पता था रिहर्सल क्या होती है क्या नहीं। एनीवेज तो वहाँ जब रिहर्सल ख़त्म हुई तो उस बंदे का ऑडिशन हुआ, तो मुझे वो दूर से देख रहे थे कि ना तुम टी वी में क्यों नहीं काम करते। तो मैंने कहा सर मेरे पास वो कार्ड नहीं है जो शफी साहब ने दिया है। मैंने कहा तुम इधर आओ इधर आओ। मैंने कहा नहीं मैं यहाँ सही हूँ। हाँ। इधर आओ। मैंने कहा अच्छा जी क्या कि ये क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा सर यही हुआ। एनीवे तो कहते हैं कि तुम्हारी एकेडमिक्स कितनी है? मैंने कहा मैं बीएससी फाइनल में हूँ। कहने लगा अच्छा ठीक है, जब तुम पढ़ाई तुम्हारी ख़त्म हो जाए उसके बाद तुम मुझे टी वी पर नजर आना, उससे पहले नहीं। अरे बाप रे। वरना जो मैं करूँगा तुम्हारे साथ तुम सोच भी नहीं सकते। द मोमेंट तुम अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें चांस दूंगा। मैंने कहा ऑलराइट। खैर जी मुझे चांस मिला और मैं शूट करके निकला, तो इतने में मसूद जौहर चूचू आपको चांस उन्हीं के समेजो साहब हैं उनके एक छोटा सा कैरेक्टर मुझे मिला, और फौरन ही दूसरा 25 हाँ 25 मिनट का सिंधी प्ले लास्ट मैंने किया था। हाँ। राबिया नौरीन साहब और वो खत्म करके मैं बाहर आ रहा था, तो मसूद चूचू तुम्हें सायरा बीबी बुला रही है। मैंने मसूद चूचू जो सेट जी डिजाइनर, उसके बाद जब सायरा काजमी ने आपको बुलाया वो मैं जानना चाहूंगी ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे प्यारे से सेलिब्रिटी गेस्ट जो है उनकी कहानी आज जाने, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ, आपको भी शायद नहीं पता होगा, तो जानिए आज की सुबह गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अगर अभी आपने टीवी लगाया तो मैं आपको बताती चलूं कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको आप तरसते हैं सुनने के लिए देखने के लिए ड्रामों के अलावा, वो आज मेरे साथ हैं सानिया सईद एंड कैसर खान निजामानी। और इस वक्त मैं जान रही थी कि ये जो सायरा काजमी तक पहुँचने का तरीक़ेकार था, क्योंकि भाई उस ज़माने में कुछ ऐसे डायरेक्टर्स थे जिनके साथ काम करने को आप ख्वाहिश करते थे, काश इनके साथ मिल जाए हमें मौका काम करने का। सही है। और वो सायरा काजमी सर फहरिस्त थी माशाल्लाह, उनके सारे ड्रामे धूप के नारे उनका ही था ना, है ना, तनाइया शहजाद खलील साहब का। तनाइया शहजाद साहब। सो आप उन तक कैसे पहुंचे? भाई मैं वो बताया ना कि जैसे मैं सेट से निकला तो मसूद चूचू आए ढूंढते हुए कि वो तुम्हें सायरा बीबी बुला रही है। मैंने कहा सायरा कौन? अरे सायरा काजमी को तुमने? मैंने कहा सायरा काजमी वो एक्टर रात का? कह रहे हाँ। तो पता नहीं वो ड्रामे बनाती है? मैंने कहा नहीं। हाँ। कह रहे चलो तुम्हें बुलाया उन्होंने। मैं डरते डरते गया तो रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और ऑडिशंस चल रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखा, मेरा नाम कैसर, बिल्लू तुम इधर आके बैठो। आपको बिल्लू बोला? बिल्लू। और बिल्लू क्यों बोला? बता रहा हूँ ना। हाँ। तो कहने लगे ये कैरेक्टर बिलाल का, तुम ये पढ़ो। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने पढ़ा, कहने लगे अच्छा जाइए। 14 ऑडिशंस, 14 टाइम्स मुख्तलिफ ग्रुप के साथ उन्होंने मुझसे रीडिंग करवाई,
और शफी मोहम्मद शाह साहब कॉरिडोर में थे, कहने लगे तुम क्या इधर आ रहे हो जा रहे हो, क्या मसला है? मैंने कहा ये उन्होंने दिया है, पढ़ के सुनाओ, 14 मरतबा पढ़ चुका हूँ मैं, क्या करूँ? कहने लगा अच्छा इधर आओ दिखाओ मुझे, स्टूडियो बी वहाँ बैठे और कहने लगे अब देखो ये जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ ना तुम मुझे देखो और फिर तुमने वहाँ जाके उस तरीके से करना है। अब शफी साहब पढ़ रहे हैं, मैं शफी साहब को देखूं या मैं स्क्रिप्ट समझूं? अब मैं उनको देख रहा हूँ, यारी कितने अच्छे लग रहे हैं पढ़ते हुए, कह रहे तुमको समझ आई? मैं हाँ हाँ जी हाँ पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया मैंने। वहाँ जाऊँ तो ब्लैंक के, उन्होंने क्या किया लेकिन शायद मैंने थोड़ा सा उनसे वो अडॉप्ट कर लिया। तो जो 15th ऑडिशन हुआ तो उसके बाद फिर सब लोगों को उन्होंने रवाना किया, मुझे कह रही नाउ यू आर डूइंग दिस बिलू, यू आर माय बिलाल, ऑलराइट? मैंने कहा रियली एम आई डूइंग इट? कहती यस यू हैव टू डू इट। तो कहती एक बात सुनो, तुम्हारी उर्दू इतनी साफ कैसे है? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो कहने गया ठीक है नाउ यू डूइंग इट। उसके बाद मेरी सबसे इनको मैंने देखा, रुबीना अशरफ साहिबा को देखा, मैं तो यूं देख रहा था ना, वो तपिश था, तपिश था, एग्जैक्टली तपिश, हां तपिश। तो मैं सबको देख रहा हूँ कि यार ये तो जमाल शाह, मैंने कहा ओ ये लोग, मैं इनके साथ काम करूंगा, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने फिर कोशिश किया कि मैक्सिमम जो मैं अपना मेरा आउटपुट है वो दे सकूं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट। अच्छा तपिश से पहले आप सिंधी ड्रामे कर रहे हो? प्लेस कर चुका था, उर्दू ड्रामे किए थे सिंधी प्लेस। अच्छा सिंधी कर चुका था। अच्छा और उसके बाद ये हुआ कि तपिश के साथ साथ मैं एक सेट पे सिंधी कर रहा होता था, दूसरे पे उर्दू कर रहा होता। मेरी दाढ़ी नहीं थी तो मुझे नकली दाढ़ी एक बार लगती थी, दूसरे सेट पे वहाँ उतार के वो शूट करके आया फिर दाढ़ी लग रही है। कमालुद्दीन अहमद साहब मेकअप कहते थे भाई इसको तुम क्यों लेते हो, किसी और को ले लो, किसी और, सब कहते थे नहीं हमें यही चाहिए। तो वो बड़ा ज़बरदस्त वो एक मेरा वक्त गुजरा, बल्कि मुझे तो कई बार ये भी कहा कहने कहते थे लोग कि ये कराची सेंटर का सुल्तान रही। अच्छा कि इतना गेटअप चेंज, हाँ इतने प्लेस किए, बहुत काम किया हमने, बहुत काम किया। सुने आपके अब्बू राजी हो गए थे जहाँ कौन डॉक्टर बनाना चाह रहे थे आप चले, ये बड़ा जबरदस्त, ये तो भाई दया लड़कियों को थोड़ी, लड़कों को भी मुश्किल होती है। बाबा ने तो कराना छोड़ दी थी क्योंकि उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए बेकार हो गया। अब जब हवाएं मशहूर हुआ था इफ्तानी मारवी तो बाबा के पास जो खवातीन आती थी ना पेशेंट, तो वो कहने लगी कि ये कैसर के अब्बा हैं, कैसर के अब्बा हैं। तो बाबा ने मुझे फोन किया, कहने लगे बात सुन तू टीवी पे बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। मैंने कहा पता नहीं, कह रहे नहीं ये औरतें बैठी हुई हैं ये कह रही हैं, पहले औलाद अपने बाप के नाम से मशहूर होती थी, यहाँ बाप अपनी औलाद के नाम से मशहूर होता है। तो मैंने कहा यार बाबा ये तो आपकी कामयाबी है ना, मेरी कामयाबी। कहने लगे अच्छा शक्ल दिखाओ तुम्हारी। मैं बाबा के पास गया, लिटरली उन दिनों पूरी गली में रश लग गया था और फिर वहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ा और लिटरली मुझे वहाँ से रेस्क्यू करना पड़ा था। फिर अब्बा को यकीन हुआ? बाबा को फिर यकीन हुआ, कहने यार तू मेरे पास नहीं आया अगर, मैं कब आ रहा हूँ, आपने बुलाया था मुझे। तो हमने इस किस्म बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत 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 मजा। फजीला से कैसे मुलाकात हुई, कौन सा ड्रामा ऐसा आप लोगों ने साथ? वो तो बात सुने मेरी, फजीला वाली बात पे तो मैं आता हूँ, वो तो अखबारों में भी है। यासिर से कैसे मुलाकात? नहीं मेरा इंटरव्यू नहीं है ये, आपका इंटरव्यू है। सवाल है यार, मैं तो 14 साल से बता रही हूँ अपनी राम कहानी, 14 आपकी तो मैंने सुनी है, मैंने कभी नहीं आपसे ये पूछी बातें। भाई हुआ ये कि एनटीएम, अच्छा एनटीएम की जो बात हुई है, आई विल रिमेन थैंकफुल टू एनटीएम, क्योंकि जब हमने पहला ड्रामा बनाया तो हम टैक्सी में गए थे और तीसरा ड्रामा बनाने के बाद हम मर्सिडीज में जाते थे। तनवीर जमाल साहब भी ये प्रोडक्शन नहीं थी आप? जी जी हम प्रोडक्शन ही करते थे। अच्छा नहीं आप फजीला से क्या प्रोडक्शन के थ्रू मिले थे? अल्लाह इतने दिनों बाद? नहीं नहीं हम तो मिले पहले थे लेकिन वो प्रोडक्ट बनी नहीं। फातिमा सुरैया बजिया साहिबा का प्ले था, आरजू चौधरी एसन साहब कमर्शियल डायरेक्टर, ही वाज डायरेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग इट। तो वहाँ हमारी रिहर्सल्स हो रही थी, तो उस वक्त आप फजीला भी थी ड्रामे में और आप भी? हाँ, हम दोनों। तो दिल में घंटियाँ बज गई थी या अभी नहीं बजी थी? यार ये तो मुझे नहीं पता, ये आदमियों को याद नहीं रहता, याद तो बहुत है, मुझे घर भी जाना है ना। तो वही तो पूछ रही हूँ, दिल में घंटियाँ बज। ये होता है कि देखें डिसीशन मेकिंग यूँ होती है, इधर यू मेक अ डिसीशन और यू डोंट। हाँ तो आई मेड अ डिसीशन देन रिहर्सल्स में, बिल्कुल, क्योंकि उसने मना कर दिया था एक फोटो शूट कराने के लिए मुझे, इसे मैं नहीं कराती। मैंने कहा यार लो ये क्या बात हुई, इतना गबरू नौजवान, दाढ़ी काली खूबसूरत आदमी। वो पहले आई थी शो बिजनेस में, आप आए थे? वो आई। अच्छा तो सीनियर थी उस वक्त? ओहो बर्गर फैमिली और सख्त थी फजीला, सख्त थी बहुत। अच्छा सख्त मिजाज में शुरू थी? हाँ। तो फिर मैंने कहा नहीं ठीक है तो जाएगा मैं कर, सो आई डिड इट।
तो उस रिहर्सल पे हमारी दूसरी हुई, गायब ही हो गए ना, मतलब ब्लैंक हो गए फजीला के बारे में पूछ जा तो नहीं, मैं आप मैं वो कनेक्ट कर रहे हैं क्या बताने क्या नहीं बताने, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जहाँ से मैंने बात छोड़ी थी। तो हम लोग रिहर्सल से जब फारिग हुए तो इस समय तो वो प्ले जो है बन नहीं सका किसी वजह से, तो नहीं बना वो। तो मुझे मौका मिला NTM का, तो अमीर इमाम साहब मरूम कहने लगे बेटा तुम बनाओ, प्रोडक्शंस करो। मैंने 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 कहा मैंने भजिया को फ़ोन किया, मैंने कहा भजो, अच्छा भजिया मुझे शहजादा कहती थी क्योंकि मैंने उनके काफ़ी प्लेस किए थे, सस्सी पुन्नू में मैं उनका शहजादा तो पकड़ के लेके गई थी, तू मेरा शहजादा है। तो खैर वो एक अलग को है। तो भजिया कहने लगी कि हाँ बेटा वो आरजू रखा है तुम वही कर लो। मैंने कहा अच्छा भजिया, अब मैंने कास्टिंग की सारी चीज़ें, तो आरजू हमने किया तो उसमें मैंने उनको मेन लीड में रखा। मैंने नहीं, वो आपने डायरेक्ट में कभी काम नहीं करता। अच्छा सुने, वो आपने डायरेक्ट भी किया था। हाँ। तो आप डायरेक्शन में कैसे आ गए, एक्टिंग करते करते कैसे एकदम ना पूछ बहन ना पूछ एक वो भी तो हो ना कि कोई ट्रेनिंग थी, कोई क्या चीज़ होती है। हाँ, मैं तो डायरेक्ट नहीं, मुझे क्या पता डायरेक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होती है। मैंने एक PTV के डायरेक्टर को, वो दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनको मैंने हायर किया था एज ए डायरेक्टर। और जो PTV पे ज्यादातर काम होता है 3 कैमरों पे 4 कैमरों पे जी जी जी, स्विचर पे जी जी, हम लोग काम करते हैं सिंगल कैमरा पे। तो मोस्ट ऑफ दी TV प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स दे आर नॉट वेरी गुड एट सिंगल कैमरा। तो सिंगल कैमरे की वजह से वो फंस गए। और वो प्रोडक्ट मेरी 7 या 8 दिन शूट होने के बाद कोई 18 मिनट की ओके निकली थी, which was a huge loss for me. अच्छा। और फिर जब अमीर इमाम साहब ने देखा, कहने लगे यार ठीक है हो जाएगा, इसको तुम रीशूट कर लो। तो वो लोग दोनों बैकआउट कर गए, कैमरामैन भी और डायरेक्टर भी। अरे इस दौरान मेरी गाड़ियां फजीला के जेवर बिक चुके थे। अल्लाह, ठीक है, ये सेंसर कर गए फजीला वाली बात और आगे ले गए। नहीं ना, अभी कहां से अभी कहां से? क्योंकि मेरा सवाल ये था कि फजीला से शादी, इसका मतलब वो जब प्रोडक्शन बनाई तो फजीला के जेवर बेचे। अबे भाई, बीच वाली बात कहां गई? सुन तो लो ना, देखो नाज़रीन मैं क्या करूं, अदा फंस गए नाज़रीन, कहानी सुना रहे फजीला और ये कैसे मिले, शादी कैसे हुई, फंस गए। मैं पुरानी चावल हो गई हूँ, अब पुरानी होस्ट हो गई हूँ। अच्छा सुन तो, अच्छा चलो सवाल दोबारा कर, मैं दोबारा जवाब दे देता। फजीला और आप कैसे मिले? कैसे मिले? शूट पे। हाँ, वो जो शूट थी जिस पे जो हो नहीं सका ड्रामा, वो रिहर्सल पे आरजू, जिस पे फजीला ने कहा मैं नहीं। MCQs किसको कैसे मनाया? क्या करूं मैं? इनके सवालों से तो मैं नहीं भाग सकता ना, तभी तो मैं काउंटर कर रहा हूं कि यासिर से कैसे मिली मुझे ये तो बताओ। चले मैं आपको ब्रेक में वो बता दूंगी। अच्छा, अभी आप मुझे अच्छा, ये बताओ। हाँ। तो फजीला मुझे अच्छी लगी। अच्छा। तो मैंने उनको प्रपोज किया। हाँ। और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजह ये थी कि अच्छा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फजीला की जो इमीडिएट फैमिली है वो पोलिटिकल फैमिली है, हैदराबाद की बहुत मशहूर काजी फैमिली है, और मेरे जो फ्रॉम मदर साइड जी वो भी पॉलिटिकल फैमिली है, तालपुर फैमिली वो भी पॉलिटिकल हैवीवेट्स। अच्छा, अच्छा हैदराबाद के हवाले से दोनों फैमिलीज का आपस में पॉलिटिकल एक राइवलरी रही है, रोमियो जूलियट हैं। आहा, जी समझ गए। तो इधर मेरे बाबा ने उधर उनके अब्बा ने मना कर दिया, इधर मेरी अम्मा ने मना कर दिया। अरे यार मैंने कहा ये क्या हो गया, समाज की दीवार, समाज की दीवार। लेकिन देन फाइनली बाबा मेरे उन्होंने इंटरवीन किया और वो मुझसे बड़े खुश हो गए थे क्योंकि मेरा थोड़ा सा नाम बन गया था, तो वो मुझसे बहुत खुश हो गए थे। तो मैं जो कहता था फिर वो मान लेते थे मेरी बात, और अम्मी नहीं मानती थी। हाँ। और उस वजह से मेरे ननिहाल वाले सारे एक तरफ, हाँ। ददियाल वाले सारे एक, बाकायदा बायफिकेशन। मैंने कह रही ये क्या हो गया भाई, दो मासूम जिंदगी को तुम लोग क्यों नहीं मिलने दे, कहाँ से आए हैं ये झुमके। बहरहाल इस तरीके से शादी क्या जिसमें ड्रामा ना हो, ड्रामा ना हो, बहुत बड़ा ड्रामा। मैं क्या बताऊं सानिया, एन वक्त तक ड्रामा चल रहा था, इवन निकाह के बाद तक मेरे घर वालों ने जो वहाँ हंगामा मचाया कि खाना अच्छा नहीं है, लड़की वालों ने अल्लाह नहीं कहे, तो इन सारी चीजों को ओवरकम किया और फाइनली फिर शुक्र है अच्छा।
अच्छा अब मैं आती हूँ प्रोडक्शन के लॉस की तरफ. जब दोनों मियाँ बीवी मिलके स्ट्रगल कर रहे थे भाई, उस जमाने में तो यही होता था कि आपने अपने आप को अपग्रेड करना है तो एक जो सिंपल जिंदगी चल रही है उसमें दरारें लाओ, उसमें जलजले लाओ. देखें जो फाइनेंशियल्स है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो किसी भी ताल्लुक, खासतौर पर मियाँ बीवी के ताल्लुक में इंतहाई जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. अगर आप स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली तो आप कैसे गुजारा करेंगे. तो फिर लकीली टीवी की वजह से ही मुझे मौका मिला प्रोडक्शन करने का. तो जब मैंने प्रोडक्शन की तो फिर मैंने करता ही चला गया ना. अच्छा. और वन आफ्टर दिया था, वन आफ्टर दिया था. बता तो रहा हूँ कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था और कहाँ मर्सिडीज में घूम रहा हूँ. तो इस तरीके से हम काम करते रहे, करते रहे, करते रहे. फिर बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स. अच्छा हाँ, मज़े की बात, जब प्रोडक्शन करते करते काजिम पाशा साहब उनके पास मैं चला गया. मैंने सुना काजिम भाई हर ड्रामे में शबीर जान, हर ड्रामे में शबीर भाई, ये क्या यार, मुझे भी चांस दे. तो कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, ये अगले हफ्ते आ जाना, स्क्रिप्ट तुम्हें मिल जाएगा. मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार काजिम भाई ने मुझे स्क्रिप्ट दिया एंड आई विल रिमेन थैंकफुल टू हिम. ये बताने का मकसद ये है कि आदमी किसी का एहसान उतार नहीं सकता लेकिन आदमी गा सकता है. ये उनका मुझ पर बहुत बड़ा याद तो रखना ही था. तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, मेन कैरेक्टर था ज़बरदस्त. उन्हीं दिनों मेरे पास जलाली साहब कहने लगे कि यार अमेरिका का टूर है और तुझे मैंने गाना गाते उस दिन शो में सुना था, यू आर कमिंग विद मी एज अ सिंगर. इदरीस चचा बेचारे गुजर गए, वो थे. मैंने कहा मैं उस सिंगर, कहने नहीं तू सिंगर बन के चलेगा अमेरिका. मैं अमेरिका, मैं बड़ा जिंदगी में जो बात, बंदा हैदराबाद से आगे नहीं गया वो अमेरिका जा रहा है. तो मैं गया सीधा काजिम भाई, मैंने काजिम भाई ये स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ यार, मुझे ऑफर आ गई, मैं अमेरिका जा रहा हूँ. कहने अबे रहन दो, ये एक साल लग जाएगा तुम्हें, तब तो तुम्हारी शूटिंग खत्म हो जाएगी. मैंने कहा काजिम भाई नहीं हो पाएगा, देखो पहली बार अमेरिका जा रहा हूँ, मान ले प्लीज़ जाने दें. कहने लगे कि अच्छा ठीक है तुम ये काम करो, अगर तुम्हारा वीज़ा आ गया ना तुम चले जाओ. मैंने कहा पक्की बात, बोला हाँ जबान है मेरी. तीन या चार एपिसोड शूट हो गए, मेरा पासपोर्ट आ गया, टिकट आ गया, नेक्स्ट वीक फ्लाइट है. अब मैं गया काजिम भाई, काजिम भाई क्या करूँ. कहने लगे अच्छा, उन्होंने मुझे गले लगाया, कहते हैं कि तुम जाओ, ये पहली बार तुम्हें चांस मिल रहा है, तुम जाओ, यहाँ मैं संभाल लूँगा. यार ये बहुत बड़ा जेस्चर होता है, वरना शफी मोहम्मद शाह साहब लोगों को, बहरोज लोगों को बैन कर दिया था पीटीवी ने. अच्छा, तो सख्ती होती थी पहले. लेकिन काजिम भाई ने मुझे बोला कि नहीं तुम जाओ, आई टेक केयर ऑफ इट. मैं फिर चला गया अमेरिका, हम शोज कर रहे थे वहाँ, पीटीवी हमने देखा तो मेरी जगह शब्बीर भाई. ये अच्छा, अब यहाँ तक तो हमें इनकी तो कहानी पता चल गई. अब सानिया जो है भी आर्ट भी कर रही, अलग अलग ड्रामे कर रही, और एक सानिया छाई भी थी, क्योंकि इतनी यंग एज में इतनी मच्योर एक्टिंग ना हर किसी के बस की बात नहीं होती करनी. और शायद इसका क्रेडिट आपके अब्बू को जाता है कि आपने बचपन से पिट्टू बारी और खो खो खेलने के बजाय उनको थिएटर वो भी खेला, वो भी खेला, बहुत खेला. अच्छा. और दोनों दोनों मेरे पेरेंट्स को जाता है. एंड आई थिंक जिस तरह की चीज़ों में उन्होंने मुझे डाला ना, जैसे ये बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन में डाला. मैं जब मैं स्कूल में थी तो मैं यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स भी फॉलो करती थी, क्योंकि वो सब थिएटर में आते थे काम करने के लिए. तो आई थिंक वो जो अवेयरनेस थी ना, उसकी वजह से बचपना शायद उस तरह था ही नहीं कभी मेरे अंदर, यू नो लाइक एक क्योंकि आप उसमें आहट था ना ड्रामा, आप इतनी छोटी थी उसमें. और जिस तरह के आपके, मतलब मैं भूल नहीं सकती एक्सप्रेशंस कि जब मैं अब दोबारा भी देखती हूँ वो ड्रामा, तो इतनी छोटी लड़की को क्या पता ये एक्सप्रेशंस, लेकिन आप सब देती थी वो. आई थिंक क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी खवातीन देखी थी जिनके साथ हमारी मेरी अम्मी जैसे वर्किंग वुमेन की एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, और वहाँ ये सब खवातीन अपने अपने मसले डिस्कस करती थी. मैंने ऐसी खवातीन देखी थी जिनसे उनकी ज़िंदगी के डिसीजंस का राइट ले लिया गया था, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे कोई भी लाइफ के डिसीजन हो. ऑब्जर्व कर, तो वो मैं ऑब्जर्व तो करती थी ना कि क्या क्या तकलीफ होती है जब आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में नहीं होती, और आपको इस काबिल नहीं समझा जाता कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकें, और वो कितना स्ट्रगल और कितना पेन और तकलीफ़ है वो मैं देखती थी. तो हालांकि ये सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट था, जिसमें उसके बच्चों का प्रॉब्लम था और उसके हाथ में डिसीजन नहीं था, और उसके हाथ में डिसीजन भी नहीं था कि अगर मैं पांच बच्चों का ख्याल नहीं रख पाऊंगी तो फिर मैं ये बार बार अटेम्प्ट ना करूँ. ये डिसीजन उसके हाथ में नहीं था. वो इतना सोशल प्रेशर था उसके ऊपर, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, कि उसकी लड़कियाँ भी उस चक्कर में
रुली गई ना एक तरह, नेग्लेक्ट हो रही थी ना एक के बाद एक, एक के बाद जब माँ हेल्दी नहीं है, खुश नहीं है, जब माँ खुश नहीं है तो बच्चा उसके पेट में भी खुश नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रॉमा, अब तो बड़ा साइंस ने तरक्की कर लिया, अब तो बहुत ये बातें पता चल गई हैं, बच्चा ट्रॉमाटाइज पैदा हो रहा है, वो ट्रॉमा अब्सॉर्ब कर रहा है माँ का, तो अब हेल्दी कैसे नई जनरेशन पैदा करेंगे जब आपकी माँ हेल्दी नहीं है? अच्छा, उस वक्त आप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करती थी ये देख के टॉपिक्स या ये चीजें? यार आहट के साथ ये हुआ था कि मैं क्योंकि एनटीएम पे अनाउंसमेंट्स कर रही थी तो मुझे एक दिन सायरा ने बुलाया, क्योंकि सायरा तो अब्बू से दोस्ती थी ना, क्योंकि राहत अंकल वगैरह सब थिएटर के वो थे, एक्वेंटेंसेस थे सब, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि ये एक कैरेक्टर है, ये मैं चाहती हूँ कि तुम करो, ये जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, अच्छा, हसीना पन्ने लिखा था, रिसर्च बेस्ड था, तो मैंने कहा अच्छा, तो कहने लगी लेकिन तुम्हें उसके लिए अनाउंसमेंट छोड़नी पड़ेंगी, मैंने कहा अच्छा ठीक है छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगी, मैंने कहा हाँ वो तो मैं ऐसे ही करती हूँ कॉलेज के लिए, लाइक पॉकेट मनी, छोड़ दूंगी, तो कहने लगी कि इतने महीने पहले छोड़नी पड़ेगी ताकि वो इम्प्रेशन जो एक वो बेबी जैसा एक वो है वो सब खत्म हो जाए, मैंने कहा ओके छोड़ दिया, तो 11 महीने मैंने वो अनाउंसमेंट्स की। जब उन्होंने मुझे इसका इस स्क्रिप्ट की कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि ये, उस वक्त मुझे ना एक्चुअली कुछ इतना एक्टिंग एक्टिंग का शौक मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जो प्लेस मुझे पसंद नहीं आते या कैरेक्टर में कन्विंस नहीं होते ना मुझे होते नहीं है, पैसों वैसों के लिए नहीं करती आप एक्टिंग अभी भी नहीं करती हाँ कि भाई किचन जलाना है खवातीन की जिंदगी के हालात और मर्दों की जिंदगी के हालात में बड़ा फर्क होता है, हमारे पास है ना, नो इट्स नॉट, वी डोंट हैव एनी चॉइस, वी हैव टू वर्क, नो आई हैव टू वर्क, आई डू अदर थिंग्स बट नॉट एंड ट्राई नॉट टू डू अ कैरेक्टर, यू आर एन एक्सेप्शनल केस देन, आप कम में भी खुश हैं, है ना, आपको बार बार जो है वो ब्रांडेड पर्स नहीं खरीदना होता, इतना बोझ नहीं है, आपने ब्रांडेड जूते खरीदने, बिल्कुल नहीं है वो बोझ, मैंने ऐसी कोई चीजें नहीं पाली। अच्छा, तो शौक किस चीज का था सानिया को हमेशा से, जब पैसे मिलते थे तो अब मैं ये करूंगी, अब मैं ये करूंगी, देखिए कुछ भी है वो तो अट्रैक्शन तो होती है ना, पैसे जब मिलते थे ना तो पहले तो इतने बचते नहीं थे कि आप मतलब ऐसे कुछ वो करें, लेकिन आई थिंक इट वॉज बुक्स, मोर बुक्स, और फुल पढ़ाकू टाइप थी आप? हाँ थी, मजे मस्ती कैसे करती थी? एकेडमिक नहीं थी, एकेडमिक नहीं थी, अच्छा, मगर पढ़ाकू थी, कहानियां और वो इस तरह के नॉवेल्स और ये सब चीजें, मैं यही तो कह रहा हूँ, खवातीन तभी तो स्कूलों में कॉलेज में फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, क्लास हमारी ली जाए, देखो वो फर्स्ट आ रही है उसकी बेटी, अरे भाई हम क्या करें, मैं कभी फर्स्ट नहीं आई अदा, यार पास तो हो जाती हूं ना, हम तो पास भी सी ग्रेड में होते हैं, ये तो बच्चियां बड़ी होकर शादी होकर अपने अपने घरों को चली जाएंगी, हमारे रिपीट करो क्लास, रिपीट करो, अच्छा हमारे ऐसा कोई सीन नहीं था, शादी होकर कहीं नहीं जाना था किसी ने, अगर शादी होकर जाना भी था तो फुल इक्विप्ड होके जाना, कह रहा हूं ना आप एक्सेप्शनल हो बाबा, हाँ आप लकी हैं, आप घर पे ऐसे घरों में नहीं होता ना, वो वाली चीज़ आप लकी हैं माशाल्लाह अपने पेरेंट्स की वजह से, मर्दों से पूछो ना, लड़कों यासिर से पूछो ना, मासूम बेचारा, मैं नहीं कर यासिर का जिक्र रोज सुबह, उसको मैं मशहूर क्यों करूं, नहीं वो है ऑलरेडी मशहूर है, वो मैं मशहूर क्यों करूं मजीद, और क्या रोज क्यों करूं। अच्छा, तो जब ये आहट की कहानी उन्होंने मुझे सुनाई तो मुझे लगा कि कहानी सुनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा, और जो ये एक्टिंग की बात भी है ना वो मैंने यही सीखा था दस्तक से और अपने अब्बू के साथ काम करके कि कहानियों की क्या इम्पोर्टेंस होती है, अच्छा, कहानी सुनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, किसी कहानी का हिस्सा होना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें मैं उन्हीं से सीख रही थी और अब्सॉर्ब करी थी, तो मुझे लगा कि यार ये बड़ी इम्पोर्टेंट कहानी है, इसे सुनाने के लिए अगर अनाउंसमेंट छोड़नी पड़ी है तो छोड़ देनी चाहिए। आपने सारे कैरेक्टर्स जो मैं अगर आप फ्लैशबैक में जाती हूँ और मैं आपके ड्रामे देखती हूँ तो उन सारी कहानियों में कोई ना कोई सब्सटेंस था जो जो आपने परफॉर्म की, तो आप क्या स्क्रिप्ट बहुत रिजेक्ट करती थी? बहुत है, बहुत, बीच में तो एक टाइम ऐसा आया था मैंने 4 साल कोई सीरियल ही नहीं किया था, सिर्फ टेलीफिल्म की थी, बिकॉज जमा पूंजी पे गुजारा, जमा पूंजी पे गुजारा, दूसरी नौकरियां करती थी, रेडियो पे काम करती थी, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, अच्छा, वॉइस ओवर्स करती थी कमर्शियल्स के, वो मैंने बहुत साल बहुत किए हैं, रेडियो करती थी जब कॉलेज में थी, तो मैं सुबह पहले एफएम
100 जाती थी, वहाँ से लाइव प्रोग्राम करती थी, वहाँ से कॉलेज जाती थी, कॉलेज से घर आती थी, थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके मैं शाम को थिएटर की रिहर्सल में जाती थी, फिर वहाँ से आती। तो मेहनत वाली जिंदगी में, मेहनत वाले काम बहुत किया मैंने। अच्छा, और वो ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगी तो मैं पूछूंगी वो जो माँ प्रोग्राम किया आपने ना, अल्लाह, उस जैसा प्रोग्राम नहीं देखा मैंने कभी। और उसके अलावा कोई अब्बा प्रोग्राम भी होना चाहिए ना, बाप प्रोग्राम, माँ प्रोग्राम। ब्रेक के बाद कुछ प्लान करते हैं अब्बा प्रोग्राम। और क्या, क्यों नहीं? और फिर क्या होना चाहिए? मदर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे आई नहीं। अब्बा प्रोग्राम की मैं एक बात बताऊंगी, तो मैं ब्रेक पे जाना है ना, ब्रेक के बाद वापस आके बताती हूं। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ हैं सानिया सईद एंड खैसर खान निजामानी, और हम बड़े मज़े मज़े की बातें एक दूसरे से कर रहे हैं। लेकिन मैं आज मौका दे रही हूँ ऑडियंस को भी कि वो फ़ोन करें और आपसे अपने मनपसंद सवाल कर सकें। वो मत पूछिएगा जो हम जब अभी ब्रेक में गीबतें कर रहे थे, वो मत पूछिएगा। सुबह सुबह प्लीज। कोई टेंशन तो नहीं है? अच्छा, वैसे कभी किसी ने कोई औखा सवाल किया, कभी कोई मिल गया होता है ना, कोई भी कुछ भी पूछ लेता है, ऑडियंस मासूम होते हैं ना कभी कभार, कोई किसी दावत में मिल गया, किसी शादी में मिल गए, किसी ने कोई ऐसा सवाल किया है कि आप लाजवाब हो गए हो? क्या किए भाई? मैंने ज्यादातर किए हैं मिनिस्टरों के रोल और वडेरों के रोल। हाँ। तो हमारे बहुत मासूम लोग हैं, हम दावत में थे एक जगह, तो वहाँ बाहर एक बूढ़ी खातून खड़ी हुई थी, एप्लीकेशन लिए हुए। कहने लगी, बेटा तू इधर आया ना, तो वो मेरे बेटे की नौकरी चली गई, मेहरबानी करते। मैंने कहा क्या हुआ, मैं क्या करूँ? कह रहा नहीं, तू तो वजीर है ना। मैं क्या, मैं वजीर टीवी पे हूँ, वैसे नहीं हूँ, आम आदमी हूँ, खुदा को मानो। लेकिन वो नहीं मानी मेरी बात लिटरली। और फिर मैंने उनको, मतलब आप क्या करें आप, एक आदमी आप एक मान के साथ आपके पास आए, और ये टीवी के, मैं वडेरा बनाई टीवी की वजह से। सही कह रहे हो, खुदा की कसम, मैं नॉर्मल आदमी हूं यार, मेरे पास कोई आप पे लगी कोई छाप कभी, कुछ ऐसा हुआ किसी ने लाइक आपको कुछ कहा? एक दफा जब आहट कर रहे थे तो U4 में आती जाती थी मैं, टीवी स्टेशन के लिए भी जरा बदलनी पड़ती थी, U5 में, मतलब बस बदलनी भी पड़ती थी टेलीविजन स्टेशन के लिए। तो मैं बैठी हुई थी साइड पे, एक होती थी और एक इंजन के ऊपर सीट बनाई हुई थी, जहाँ से मैं गिर चुकी हूँ एक दफा, उसके ऊपर अम्मा जी एक बैठी हुई थी। थोड़ी देर तो वो मुझे देखती नहीं, फिर कहने लगी, समझाती नहीं हूँ उसको, इतना खराब मियाँ है तुम्हारा, क्यों तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहती उसको, दो थप्पड़ लगाओ उसे। और मैं कह रही हूँ, अब सारे मुझे देख रहे हैं ना, जिसने नहीं भी पहचाना था वो भी कह रहा अच्छा ये, और उस जमाने में ये था कि टेलीविजन पे आप आते हो तो आप फौरन बहुत जल्दी पहचाने जाते थे। मैं अम्मा को क्या कहूँ कि मैं कहती हूँ जी अम्मा मैं नहीं, मैं उससे बात करूंगी, मैं हंसी भी आ रही मुझे। अच्छा, उस वक्त मुझे ये सब हैंडल भी नहीं करना आता था कि मैं क्या उनको करेंगे, ऐसे ही होते हैं फलाना, बुड़बुड़ाती नहीं कि तो कमबख्त होते ही ऐसे हैं, और ये देखो जरा प्यारी सी बच्ची का क्या हाल कर दिया, जान है नहीं उसमें, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही, बुड़बुड़ाई जा रही, एंड शी वाज रियली सीरियस। फिर एक सीरियल मैंने किया था उस पार, अच्छा, उसमें मैं एक स्कूल टीचर थी जो गांव में स्कूल में पढ़ाती है, तो द मोमेंट आई यूज टू स्टेप आउट ऑफ कराची ना, सब लोग समझते थे कि मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ। तो एक जगह गांव में हम गए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ खवातीन जमा गई, उन्होंने कहा आपने वो स्कूल खुलवाया था, आए हम आपको वो स्कूल दिखाते हैं, हमारे गाँव का स्कूल भी खुलवाए आप उनसे कहीं खोले, हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। बट मुझे ये हुआ कि उनको जो मिल जाता, और ये जो मिथ है ना कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, ये बकवास बात है। ये ऐसे वो अहबाब इख्तदार के हक में तो जा सकती है कि बच्चे स्कूल पढ़े लिखे हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका क्या होगा, लेकिन वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहती हैं। और ये बिल्कुल ऐसी खवातीन थी जिनको उर्दू भी सही से नहीं आती थी, गिनती आप खुलवाएं ये स्कूल, आपने स्कूल खुलवाया था, ये हमारा स्कूल भी खोल। अच्छा, लोग वैसे अभी तक ऐसे हैं, आपस की बात है, अभी भी मुझे बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो आके बताते हैं कि वो अभी भी ऐसे, कोई अगर कोई वैम्प आ रही होती है, कोई विलन आ रहा होता है, तो उसको पकड़ के वैसे ही नोचते हैं, अच्छा नहीं किया, नाराज हो जाते हैं। हाँ हाँ भाई, वो मैं जा रहा था शूट पे, कपड़े मेरे पास, वार्डरोब मेरे पास था, U5 में जा रहा था, तो कहते हैं अच्छा, अब मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ बराबर मारा, टीवी पे तो बड़े मिनिस्टर बनते हैं कंगले। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैं सही बता रहा हूँ, वहाँ तो वडेरे बनते हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, ये तो कंगले यहाँ हमारी तरह घूम रहे हैं। अब मैं काटो तो खून नहीं, मैं क्या एक ब्रांडेड कपड़े वो हैंगर में मेरे पास, तो ब्रांडेड कपड़े पहने में बैठा हुआ, मतलब वो तो फ्री मिलते थे, और वो बोले जा रहे हैं, मैं सुने जा रहा हूँ। मैं उतरा, मैंने फिर हैदराबाई से जाके कहा, मैंने कहा हैदराबाई मेहरबानी करो, इस तरह तो मशहूर हो रहे हैं लेकिन इस तरह बेइज्जती भी हो रही है, आप पीटीवी की गाड़ी भेजो पिक एंड ड्रॉप के लिए, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता भाई।
किसका फोन है? हेलो, हाँ आप, आपकी कॉल है? मेरी कॉल है? आपकी कॉल है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सानिया जी। वालेकुम अस्सलाम। इतना अच्छा लग रहा है आपको इंटरव्यू देता देख के, आप बिल्कुल नजर नहीं आती टीवी पे। इंटरव्यू देती, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा सानिया जी, मैं आपको बताऊँ, मेरा और आपका एक कनेक्शन है। कनेक्शन पता क्या है? क्या? आपके बाल जैसे है ना, बचपन में मेरे बाल भी वैसे ही हुआ करते थे। ओह हाउ नाइस। लेकिन पता है क्या, मेरी अम्मी ने ऐसे खेल खेल के चुटिया बनाई कि ना बाल आप जैसे रहे ना सीधे रहे। हाँ बस ये तो आप नहीं। आपकी अम्मी कैसे ख्याल रखती थी? भाई हमारी अम्मियों को तो ज्यादा ख्याल रखना ऐसे बालों का। वो तो बचपन दिखती कि अल्लाह ने कैसे बाल दे दिए। देखिए जो चीज अल्लाह ने आपको के बता दी है ना, फोन रख के बता दे। हाँ, फोन अच्छा, रख के बता दे। जो आपके बाल कर्ली थे शुरू से पैदाइशी? कर्ली बाल पैदाइशी ही होते हैं, अनलेस आपने करवाए हो। कर्ली बालों को ना ज्यादा हाथ नहीं लगाना। अच्छा, इनकी अपनी एक जिंदगी होती है। हाँ। इनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, इनको बस एक दफा बनाओ और छोड़ दो। अच्छा। जितना ज्यादा कंगियां तेल पट्टियां करोगे उतने ज्यादा ही खराब हो जाएंगे। अच्छा, नहीं तो मुझे भी एक बात बताएं, कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारी बच्चियों के कर्ली बाल देखे हैं, बड़े होते होते उनके सीधे हो जाते हैं। उनके वो कोई जेनेटिक चेंज आया होगा उनके अंदर, लेकिन हाँ मेरे नहीं हुए। अच्छा नहीं हुए। और अम्मा ने कोई तेलों वेलों की मालिशें की हैं? कुछ ऐसा नहीं किया? मेरी अम्मा ने खुद कभी जिंदगी में तेल नहीं लगाया। लंबे थे, मतलब लाइक इतने लंबे हो जाते थे, यूं कटवाती थी फिर लंबे हो जाते थे, इतनी जल्दी बढ़ते थे। जल्दी अच्छे से याद है ना, अब बढ़ते हैं जल्दी कि नहीं? हाँ, अभी भी जल्दी बढ़ते हैं। तो गर्मी लगती है, अब जल्दी कटवा लेते हैं। बहुत गर्मी अब ना, मुझसे गर्मी नहीं बर्दाश्त होती असल में, बिकॉज वो जिसके सर पे नहीं होते ना उसको पता नहीं होता कि ये गर्मी में कितनी परेशान करते हैं आपको। तो फंस नहीं जाती हैं अब? अगर जैसे कोई कैरेक्टर करना है कोई गाँव का या कोई गरीब लड़की का, तो बड़ी मॉडर्न लग रही है आप इसमें। हाँ, उसमें ये होता था कि पहले बाल इसीलिए एक जेनेरिक सी लेंथ के रखते थे कि सब तरह के कैरेक्टर्स में, और मेरे कैरेक्टर्स में कोई ऐसा ग्लैमर और वो तो बहुत कम ही होता था या था भी नहीं। लेकिन अब हमारे पास हेल्प है ना, एक्सटेंशंस हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट बेहतर हैं। पहले तो भाई मेकअप भी खुद करना था, बाल भी खुद बनाने थे, उसको मेंटेन भी खुद रखना था, कंटिन्यूटी भी खुद मेंटेन रखनी थी, अपने अगर कैरेक्टर्स के कोई गेटअप्स हैं, ब्रूजेस बनाने, वो भी सब खुद करना पड़ता था। कभी दिल नहीं चाहता था मैं डेड स्ट्रेट करा लूं, मैं रिबॉन्डिंग करा लूं, कैरेक्टर नहीं, खुद के लिए नहीं। हम हेयर कट नहीं करा सकते थे। हाँ, हेयर कट नहीं करा सकते थे, कंटिन्यूटी अगर खराब होगी तो आप। कभी आपने केराटिन ये इतनी सारी बाल ही पैदा नहीं होता? क्योंकि रुबीना पा ने एक दफा कराया था, बिल्कुल सीधे करा। अच्छा? हाँ, उनके बाल आधे गिर गए थे। इसीलिए एक तो मैं अपने ना किसी भी, भाई हमारी अम्मा का टोटका है, कड़वा तेल बाल में लगाओ, तभी तो आपके बाल इतने अच्छे हैं। बालों का जो असल है ना उसको, उसका बिल्कुल ख्याल रखें। तेल तो मैं भी लगाती हूँ, चंपी करें, मालिश करें। कोई भी कौन सा सूट करते हैं? ये कह रहे हैं कड़वा तेल, सरसों का कड़वा तेल तो जूं के लिए होता है। अरे भैया वो तो लगाती स्कूल में, तो यही होता था और क्या। कड़वा तो नहीं, लेकिन मैं सरसों तो लगाती। सरसों तारामीरा का तेल बहुत अच्छा होता है अगर आप बर्दाश्त कर लें। ओए वो तो थोड़ा इचिंग करता है, इच बहुत जलता है सर, अगर अच्छा होता। हाँ, किसकी कॉल है आप बताओ भाई? हेलो, किसकी? सूफिया, सफिया की, कैसर भाई के लिए, सानिया के लिए? अच्छा, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानिया जी, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, आप तो वैसी की वैसी ही हैं। वैसी हो? कोई बिल्कुल वैसी नहीं है। आपकी स्किन इतनी प्यारी, आप माशाल्लाह इतनी फिट हैं। पता है मैं भी आपकी हम उम्र ही हूँ, एक दो साल शायद बड़ी होंगी, लेकिन आज मैंने जब आपको शो पर देखा मुझे इतनी खुशी हुई। लेकिन मेरे मियाँ ने भी आपको देख लिया और वो मुझे ताने देने लग गए कि तुम देखो कितनी मोटी हो, और देखो वो तुम्हारी तकरीबन हम उम्र ही है, वो कितनी माशाल्लाह फिट है, कितनी स्किन प्यारी है। मुझे इतने ताने दिए। जरा राज तो बताएं अपनी फिटनेस का। चलो मैं फोन रख के बताती हूं। आपके मियां से कहना चाहती हूँ मैं ये कि अगर मेरी जैसी स्किन चाहिए तो पहले तो उनको ताने देना बंद करें, खुद ब खुद हो जाएगी। अगर आप खुश रहेंगे, मुतमईन रहेंगे, आप अपनी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अपने डिसीजंस के लिए जिम्मेदारी लेंगे, सोच समझ के डिसीजंस लेंगे, मिल बैठ के डिसीजंस लेंगे,
आप हमेशा खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे. ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो ओवर द इयर्स नहीं चेंज होता. कोई ख्याल नहीं रखती आप, स्किन वगैरह कुछ भी नहीं, कोई खास चीज खा रही है, आप ऑलिव्स खा रही हैं या आप मुझे जानती नहीं है. हाँ मैं तो आप जल्दी जल्दी सी है आप तो नहीं. वो मुंह धोना क्रीम ये वो किसी ने मशवरा दिया, अतीका ओडो ने मशवरा दे दिया आपकी सारी दोस्तों ने, ड्यूटी वाली जो टिप्स होती हैं कुछ नहीं. सिर्फ एक चीज जरूर करनी चाहिए नहाने से पहले या सुबह उठ के एक दफा एक फेस मसाज ठंडे पानी का करती हैं. ठंडे पानी से जरूर कर. ओह ग्रेट ग्रेट. वो अदरवाइज लाइक व्हाट आर दिस रेमेडीज. नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि खवातीन को अच्छा दिखना चाहिए. हाँ सबको अच्छा दिखना चाहिए. हमारे साथ तो मसला ये ना, कभी दाढ़ी है कभी नहीं है, कभी बाल सफेद है कभी बाल काल. एक तो इनके मियाँ ने मुझे फंसवाया था ना जो डाय में, एक साल पहले कहा था कि कैसे मैं शूट कर रहा हूँ और वजन कम कर लेना और ये कर लेना वो कर लेना. मैं समझा चलो जिस तरीके से सब लोग बात करते हैं, यासर ने भी बात कर ली भाई. एग्जैक्टली तकरीबन एक साल बाद स्क्रिप्ट भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई और मुझे पकड़ के ले गए एक सैलून पे, इसके बाल डाई कर दो. वो मैंने कहा यार छोड़ रहे दिखने नहीं, नहीं बाल डाई कर रहे. फंस गया मैं इतना अरसा. फिर वो कौन से कलर के बाल कराएगा आपके जैसे? मेरे ब्लैक कर दिए. तो आपके थे कैसे? ऐसे ऐसे वाइट. और ये ऐसे होते होते वो जैसे बेवा बुढ़िया नहीं होती ऐसे ब्राउन रंग के होते 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 जाके अब नॉर्मल हुए. किस तरह का एग्जांपल था ये? आई एम लिटरली सॉरी यार. वो जिसकी मेहंदी मेहंदी वो हो जाती है ना, डल हो जाती है. ये कह रहा हूँ भाई, तू दो खवातीन यहाँ बैठी हो भैया. मुझे बाबा सानिया कभी किसी की पिटाई लगाई है ऐसी बात पे? कोई ऐसी वैसी बात होती है ना कभी किसी की साथ, किसी औरत का साथ देते में किसी की आदमी की पिटाई लगाई है? नहीं नहीं वैसे ऐसे साथ देते में नहीं, वो उसके लिए मैं इतना अग्रेसिव नहीं हूँ. अच्छे एक थॉट प्रोसेस है किसी का. हाँ. और अगर वो अगर आपने चेंज भी करना है. हाँ. अगर आप उसके साथ इंगेज भी करना चाहते. हाँ. हैं तो बहुत पेशेंस की जरूरत है. उसमें कोई मार कुटाई में तो उस पर लड़ाई बड़ाई भी नहीं करती. हाँ. लेकिन मैंने वैसे पीटा हुआ है एक आदमी को बस में. क्यों? क्योंकि उसने हम पुरानी वाली जो सब्जी मंडी थी ना. हाँ. वहाँ उसने वो जैसे बस में हाथ लगा देते हैं. ओ. तो एक दफा तो मैंने कर लिया बर्दाश्त, दूसरी बार उसका हाथ मरोड़ा और पीटा उसको बहुत. मैंने भी पीटा है. उतर गया वो वहाँ, उस जमाने में शरीफ लोग होते थे, उतर गया वो. फिर भी लोगों ने भी कहा उसको कि भाई क्या. एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या साइकी है. हाथ लगाओ, घूरते ही रहो घूरते ही रहो घूरते ही रहो. कितना कोई डेस्परेट हो जो और मतलब गर्दन छोड़ के पूरा एक्सरे कर लो, है ना. और अब तो दुनिया इतनी मतलब इतना एक्सपोजर है, लोग कहते रहते हैं ना एक्सपोजर है, इतना एक्सपोजर है, कुछ भी नहीं सीख रहे हम उससे. हम वहीं के वहीं हैं हम, क्योंकि हमारे अपने बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो पूछने की कोई सही जगह नहीं है हमारे पास. इसलिए जब हम गूगल से भी पूछते हैं तो हम गलत ही सवाल पूछते हैं क्योंकि हमें सवाल पूछना नहीं सिखाया नहीं आता. एग्जैक्टली हमें हम क्यूरियस माइंड्स नहीं है, हम इंक्विजिटिव माइंड्स नहीं है, हम सवाल ही गलत पूछते हैं. गलत पूछते हैं, गलत क्योंकि जवाब मिले नहीं है ना कभी हमें. आप भी सही सवाल पूछिए किसका फोन है. शायद यही वजह है कि हमारे पास ना साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं ना मैथमेटिशियंस भी पैदा हो रहे हैं, बस अब एक जम्मे गफीर है जो डिग्रियां लिए लिए घूम रहे हैं नौकरियों के लिए. हम अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते. हम बस क्या कहूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये हमारे लिए. और सवाल पूछने की जो आदत डेवलप करना है ना, उसके लिए आपके तालीमी इदारों में, आपके घरों में, वालदेन में, आपके बुजुर्गों में बड़ी जुरत चाहिए. क्योंकि जब बच्चा सवाल पूछना शुरू करता है ना, एक तो आपको पता चलता है कि आपको कितनी बातें नहीं पता. दूसरी बात यह कि वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा होता है ना एक तरह, जब वो सवाल पूछता है. उसके लिए बड़ी जुरत चाहिए उसके इस बात के साथ डील करने के लिए. तो जब आपकी पिछली जनरेशन इतनी इनसिक्योर तरीके से बड़ी हुई है और उसे अपने ही सवालों के कभी जवाब नहीं मिले, वो बच्चे का सवाल का जवाब कहाँ से देगा? चलो इट्स अ होल जनरेशनल पैराडाइम चेंज जिसकी जरूरत है. काउंसलिंग होती है आपकी. सॉरी वो जो कॉलर है होल्ड पे है जो मेरे लिए भी कुछ. जी जी हां, मैंने कहा उनको होल्ड ना करो. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन. बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके. मेरा आपसे सवाल है छोटा सा सर. जी आपको हमने हमेशा ड्रामों में देखा है गुस्से वाले वडेरे के रूप में, तो सर घर में भी आपका यही रोल होता है या आपका कोई क्या महसूस कर? जी पर्सनालिटी पूछना चाह रहे हैं आपकी. ये मेरे किसी करीबी दोस्त से मिले हुए लग रहे हैं मुझे और
नहीं भाई, मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ जैसे आप देख रहे हैं। घर में वडेरा है कोई? कौन है? बेसिकली वडेरा इज अ माइंडसेट। हाँ, इट्स नॉट समथिंग के yes. वडेरा कोई भी हो सकता है। हाँ. इस सेट पे ये वडेरी है। और जो बड़ा होता है ना, जिसकी बात सुनी जाती है, उसे वडेरा कहते हैं। जैसे क्लास टीचर हमारा वडेरा होता है, हमने उसको जो है ना गलत एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह उसकी शक्ल बनाई। जो जागीरदार और फ्यूडलिज्म जो है ना, वो टोटली डिफरेंट है। और जो ये दोस्त सवाल करना चाह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि घर में मेरी इजारादारी है या नहीं है। तो मेरी जान, मसला ये है कि बीइंग अ मुस्लिम, हमने अपनी मियाँ बीवी ने अपनी लाइंस ड्रॉ की हुई है। ना मैं उनकी डोमेन को चैलेंज करता हूँ, ना उधर स्टेप इन करता हूँ, ना वो मेरी डोमेन है। तो हमने अपनी लाइन ड्रॉ की हुई है, अपने अपने लिमिट्स में रहते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ओके। कभी आपकी ये मजाल नहीं होती कि आप कहें ये देखो जरा आज सफाई सही नहीं करवाई तुमने, ये मट्टी आ गई है? एक बात बताऊँ मैं, आदमी हमारे यहाँ निदा, हमारे घर में कोई हेल्पर नहीं है। ये तो मुझे पता है। हमारे घर में हम लोग खुद करते हैं, सफाई भी खुद करते हैं, खाना भी खुद पकाते हैं, बर्तन धोने के लिए समटाइम्स हेल्प ले लेते हैं। और आने जाने वाली है वो जो हेल्प है ना, बर्तन धोई और चली। वंस अ वीक हम उनको जहमत देते हैं, डेली नहीं। वो बच्चे और हम लोग सब मिल मिला के करते हैं। और कपड़े भी खुद धोते हैं। यार आप दूसरे लोग हैं जिनसे मैं सुन रही हूँ, पहले मुझे आगा और हिना बता के गए हैं कि उनके पास कोई हेल्प नहीं है, ये सब खुद करते हैं। हमारे पास नहीं। मतलब ये तो वो वेस्टर्न वाला काम है, हमारे यहाँ तो ये टेक्निक पुरानी जमाने से चली आ रही है कि वो आएंगी, मासी आएंगी, झाड़ू पोछे करेंगी और वो चली जाएंगी। हमारे घर में भी कभी नहीं थी है। हम लोग तो पता है क्यों कॉशियस हुए थे, हम लोग जब रहते थे कमर्शियल एरिया में अपार्टमेंट में, तो जो मेरा छोटा वाला बेटा है ना जोरैन, उसको वो जो हमारी घर में हेल्पर आती थी, वो उसको अगवा करके ले गई थी। क्या? हाँ। और कितना छोटा था वो? मेरे ख्याल है 8 महीने का होगा या साल का होगा। और बड़ा प्यारा सा था, गोरा चिट्टा, ब्लू आईज उसकी माँ की जैसी। तो पड़ोसियों ने बताया कि आपका बच्चा नीचे सीढ़ियों के पास है, आपने उसको वहाँ भेज, वहाँ छोड़ के आए। तो हमने ना आओ देखा ना ताओ फसीला, रश्ड, और वो सीढ़ियों पे पड़ा हुआ था। तो फिर पता चला कि जो बाहर मैकेनिक्स वगैरह थे ना, उन्होंने देख लिया, उनको पता था कि ये कैसे भाई का बेटा है और ये औरत उसको लेके जा रही है। तो उन्होंने सवाल किए थे उनसे, तब वो बच्चे को छोड़ के एंड शी वेंट अवे। तो वो दिन, आज का दिन, फिर हमने वो रिस्क नहीं लिया। छोटा वाला बेटा 8 महीने का था तब से आपने फिर ये? अरे बाप रे, रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो सुन के। तो मैं तो फजीला से कहता था, मैंने कहा कि ये चला जाता तो किसी ना किसी सिग्नल पे तुम ढूंढ रही होती कि ऐसा बच्चा कोई खड़ा हुआ है जो तुम जैसा दिखे या मुझ जैसा दिखे, हम देखते भी गुजर जाते, हमें पता ही नहीं चलता ये क्या होता। तो ये पेरेंट्स के लिए भी लाजमी है कि मेहरबानी करके अपने घरों में खुद काम करें, और या वो लोग अपने घरों में आप रखें जिनके बाप दादा को आप लोग जानते हों। ये नहीं कि किसी और इलाके का कोई बंदा आया हुआ है और आप जो है उनकी जबान पे भरोसा। अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है तभी मैं आपसे शेयर। ये तो बड़ा मसला होता है। अब किसकी कॉल है? किसकी कॉल है? हिना की कॉल है आपके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, जोर से बोलो हिना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हिना बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे साहब, कैसे हैं आप? आज आपको देख के तहे दिल से खुशी हो रही है, मतलब इतनी कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप मेरी जो है जवानी के क्रश हुआ करते थे। मैं पीटीवी के जो है ना एड्रेस पे आपको लेटर्स भी लिखा करती थी। मुझे मिले क्यों नहीं फोन वाले खत? आप मुझे नहीं मिले, आपने लेटर्स का जवाब नहीं दिया, आपने इतना मुझे वो कर दिया कि देखा भी नहीं कि कोई बंदी लेटर्स भी लिख रही है। खैर आज आपको देख के इतनी खुशी हो रही है कि बस दिल चाह रहा है कि शो आज चलता रहे, आज आप ना जाए। क्या करूँगा जवाब। सवाल तो पूछो। सवाल पूछ लिया, कोई सवाल नहीं। दिल की बात कह दी उन्होंने। हाँ, क्या कह रही है? अभी चल रही है। मैं पूछना चाह रही थी कि शादी के बाद जो है, आप फजीला से शादी के बाद आपके घर कोई लड़की आई थी गुस्सा करने, कोई पहुंची थी घर आपको गुस्सा करने? वो होता है ना फिल्मों में दिखाते हैं
किसी के दिल टूटा तो आके प्लानिंग करती है। अच्छा, मैं जवाब, ये बच्चा आपका है, तो जैसे ड्रामों में तो हमने यही देखा है, घर तोड़ने के लिए आ जाती है, इन्होंने मेरे साथ चाय पी थी। अच्छा, मैं हिना को ऑनेस्टली नहीं जानता, लेकिन ये जो बता रही है ना, ऐसे दो इंसिडेंट्स हो चुके हैं। एक खातून आ गई थी एयरपोर्ट से कि जी मैं आ गई हूँ और मुझे ले जाइए आके। हाँ, ये नई नई शादी हुई थी आपकी? हाँ जी, नहीं उस वक्त शादी नहीं हुई थी। अच्छा। और घर पे अम्मी अम्मी कहने लगी ये कौन है, कहाँ से लाए हो? मैंने कहा मैं कहीं से नहीं लाया, मुझे क्या पता है, तू टीवी की वजह से मुझे देख रही होंगी, क्योंकि हमारे उस वक्त मोबाइल फोन तो नहीं थे ना, हमारे टेलीफोन नंबर्स होते थे और वो पीटीवी से मिल जाते थे। एक, मैं वहाँ बहुत बुरा फंसा था, मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। और एक, जब शादी हो गई थी, वो जो खातून आ गई थी जी, वो वापस कैसे गई, मुझे नहीं पता भाई, किस तरह आई, वल्ला मुझे नहीं पता। एक और आ गई थी, वो तुम्हारे घर आ गई थी ये शादी के बाद, शादी के बाद फिर क्या क्या और लोग भी उनको फिर मैं बहुत इत्रामन लेकर गया ईदी सेंटर। फजीला ने क्या किया उनके साथ? क्या करेंगी फजीला, वो जल्लाद थोड़ी ना, वो तो खुद बेचारी टेंशन में हंस रही होंगी। क्या क्या उन्होंने आके कहा क्या, ये तो मुझे बताया। मैं ये सोच रहा हूँ यार, मैं इतना फ्लर्ट तो कभी था नहीं। हाँ। और ये हो क्या रहा है मेरे साथ? फिर पता चला कि टीवी की वजह से जो हम कैरेक्टर्स करते हैं, लोग उनको उनके साथ खुद को एफिलिएट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं जी। तो ये वजूहत है ना। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आप मेरी बात सुन रही हैं, तो डेलिबरेटली कभी भी मैंने इस तरह नहीं किया होगा कि आपका कोई खत आया हो, क्योंकि खतूत बहुत आते हैं पीटीवी पे, और किसी में फूल रखे हुए होते हैं, किसी में एड्रेसेस होते हैं, किसी में पैसे भी होते हैं, और वो हाँ हाँ बिल्कुल आते थे, और टिकट्स भी होते थे कि आप ये टिकट है आप आ जाइए, इस किस्म के बहुत होता था। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने मिस कर दिया। अल्लाह अल्लाह, है ना कि रह गई जवाब रह गए, दिल से बद्दुआएं निकल रही होंगी, वो तो मुझे सुनने को भी मिली हैं और मैं समझ भी सकता हूँ। अच्छा, मैं नहीं बिल्कुल इसके साथ रिलेट करती हूँ, मेरे नहीं है ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस। क्या पता आपको खुदूत आप तक पहुँचे ना, मैं बताऊँ, क्योंकि मम्मा डायरेक्टर थी पीटीवी में, तो जो खवातीन की खतूत है ना, वो डायरेक्टर्स के एड्रेसेस पे आते थे। सो बहुत दफा ऐसा होता है कि देते ही नहीं थे, वो देते ही नहीं थे, क्योंकि हर तरह के खतूत होते थे। तो ये हमारे घर में तो अंबार होते थे खतूत के, क्योंकि किसी के लिए आए हुए, किसी के लिए आए, किसी के रिश्ते भेज दिया करते थे। मतलब अदाला कैफी साहिबा की शादी इसी तरह तो हुई, वो कहानी सुना के गई थी पूरी इस तरह, उनके तो ये, लेकिन ये इस जॉब की ना ये खतरनाक बात है, इसलिए जो आप कह रही थी ना कि स्क्रिप्ट आप बहुत पढ़ती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं, मैं इसलिए कॉन्शियस थी कि जो भी इमेज आप बिल्ड कर रहे हैं ना, वो इमेज इतना बिलीवेबल होता है। हाँ, और आप हाँ, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसे बिलीवेबल बनाने के लिए, कन्विंसिंग बनाने, इतनी मेहनत करते हैं, वो मान लेते हैं उसे सच। तो उन्हें कोई ऐसी कहानी मत सुनाओ जो यू नो। अच्छा, प्लस पेरेंट्स भी आल्सो काउंट करती है ना, कि पेरेंट्स जो है ना किसी एक्टर, वो बड़ी काउंट करती है। आप कह रहे हैं कि मेरे नहीं, आप बिल्कुल इस लाइक नहीं थी, नहीं बाबा है ना। लड़कियों तक नहीं पहुंचने देते थे, पता है, लड़कों तक पहुंचने, मैं आपको ये कह रही हूं, मुझे मम्मा को फजीला के रिश्ते आए उनके पास आपसे पहले, मुझे पता है, अम्मी के पास आते थे, और क्या, फजीला तक पहुंचाए नहीं अम्मी ने, तो ऐसे तो बहुत होता था। ये तो ये चीज, हाँ, यहाँ यमुना आई थी मेरे पास, हाँ, जब वो नई नई आई थी इंटरव्यू देने, तो मेरे पास यमुना का रिश्ता आ गया था भाई, बता रही हूँ आपको। सरवत आई तो मैंने कहा सरवत तो शादीशुदा, अच्छा उनकी बहन नहीं है, तो वो यहाँ ऐसा होता है। देखिए सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे कि कोई खातून अमेरिका से यहाँ आ गई ब्याह करने के लिए, या कोई जापान से वहाँ चले गए, तो ये सोशल मीडिया। यमुना का तो अमेरिका से ही आया था रिश्ता, बताइए, ये तो होता है ऐसा है। मैं यार सोच रहा हूँ कि यार हमने, हम बहुत पहले पैदा हो गए, अब जफर से आपकी कॉल है आपके लिए। या मेरे अल्लाह, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहब, मुझे पूछना ये था कि फजीला जी जो हैं, वो अक्सर हमें सोशल मीडिया पे काफी गुस्से में और रैश नजर आती हैं, और कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स पे भी वो गुस्सा कर जाती हैं, तो ये बताइए कि अब माशाल्लाह बेटे की आपकी शादी हुई है, तो कभी घर में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आपको बीच में पड़ना पड़ा हो? और मतलब वो क्या पूछ रहे, सास कैसी है? जवाब देखें, टेलीविज़न या सोशल मीडियम जो है वो यकसर मुख्तलिफ होता है हमारी ज़ाती ज़िंदगी से। जो आप टेलीविज़न पे हमें देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। और जो बाकी आपने दूसरा सवाल किया कि लड़ाई झगड़े वाला घर के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और ये बात अगर आप मेरे घर वालों से पूछें, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से
आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है. और हमने शादी की भी बड़ी जल्दी में, क्योंकि अम्मी का इंतकाल हुआ था और उस बच्ची के घर वालों से हमारी बहुत पहले बात हो चुकी थी. तो अम्मी के इंतकाल के बाद उन्होंने कहा जी आपकी अमानत है, आप लोग ये ले जाएं वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है. अम्मी के इंतकाल किसका हुआ था? मेरी अम्मी. आपकी अम्मी का इंतकाल? अच्छा. तो उस वजह से बहुत खामोशी या कम उसमें वो कर लिया था. लेकिन इंशाल्लाह अब थोड़े दिनों बाद जब बड़ी दावत करेंगे. हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह. यार ऐसा लग समझ ही नहीं आती टाइम इतनी जल्दी गुजर गया. बच्चे बड़े हमारे सामने तो हमें याद है शादी की तस्वीरें देखी. लॉयर है, दूसरा अमेरिका में पढ़ रहा है क्रिमिनल साइंसेज और जस्टिस सिस्टम. वो वहाँ है बॉस्टन में, वो भी हाई कोर्ट का लॉयर है. तो माशाल्लाह आपके बच्चे बहुत अच्छे थे एजुकेशन में, ये मुझे अच्छे से याद है. बहुत अच्छे थे पढ़ाई में. वो इसलिए कि फजीला पढ़ाकू है ना. अच्छा. मैं हम तो डी ग्रेड में पास होने वाले, सी ग्रेड में. हाँ. मैं तभी तो कह रहा था कि लड़कियाँ अच्छी पढ़ाकू होती हैं, उनकी एकेडमिक्स बड़ी अच्छी होती है. लेकिन आपके बेटे भी अच्छे थे ये मुझे पता है अच्छे से. वो माँ पे गए शुक्र है. एक छोटा सा वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद देखते रहिए अपने प्यारे से खूबसूरत मेहमानों को आज. और मुझे पता है कि मैंने आपका दिन बना दिया इनको बुला के, है ना. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज आपने सवालात किए कैसर खान निज़ामानी एंड सानिया सईद से. और पता नहीं ये लोग कितने, मुझे मैं गिनती कर सकती हूँ, साला साल बाद मेरे शो पे आए हैं. मुझे मौका मिला इनसे बात करने का आज. और मुझे अभी पता चला कि ये होते ना साइड बिजनेस, कभी इनके ज़माने में पूछते थे अच्छा आप क्या करते हैं, तो कहते थे हम एक्टिंग करते हैं टीवी पे. अच्छा और क्या करते हैं? पहले एक्सक्यूज मी, ये वो वाला ज़माने से क्या मुराद है? मतलब हमारा ज़माना भी वही. यार बताओ, इनके ज़माने ना हम तो एक्टिंग नहीं करते ना. तो मैं तो अब आपको बताओ, वही रखूंगी ही नहीं अपने आप के जमाने में. देखो आपने ऐसे कह दिया, ये बहुत गलत बात है. नहीं देखिए, आप भी आप पैसे नहीं कमाने के लिए आई थी और आप भी. मैं पैसे कमाने के लिए आया था. आए थे लेकिन कितने दिनों बाद कमाना शुरू किया ना. तो ठीक है ना, मैं पता थोड़ी ना था भाई, प्रोडक्शन से पैसे कमाते हैं, एक्टिंग से थोड़ी ना पैसे कमाते हैं. आज भी तो वो वही वाली बात है ना जो सवाल लोग करते थे, अच्छा एक्टिंग करते हैं और क्या करते हैं. हाँ. तो आप और क्या करते हैं एक्टिंग के अलावा? मैं ये सवाल आपसे कर रही हूं. भाई मैं बहुत कुछ करता हूं. मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूं. अच्छा जी. तो आपने लॉ पढ़ा था? हाँ जी. हाँ, आपने बताया ही नहीं मुझे. ये मुझे पता था. सिंध ह्यूमन राइट्स कमेटी, विजिलेंस कमेटी का मेंबर भी हूँ. अच्छा. और पैसे नहीं मिलते, फ्री है ज़ाहिर है वो काम. हाँ. उसके अलावा एक इदारे के लिए मैं जनरल मैनेजर मीडिया हूँ. हाँ. अच्छा. उसके अलावा मेरी एड एजेंसी है छोटी सी. और उसके अलावा मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, घूमते फिरते हैं. वो गाड़ियों पे तो काम करते हैं ना? गाड़ियों का काम मैं नहीं करता, मेरे पास अपनी गाड़ियाँ हैं जो कि पुरानी. अच्छा. जीपें हैं जिनको हम बनाते हैं और हम ट्रैवल करते हैं. ये शौक है आपको, हॉबी? हमारा शौक है. ऑफ रोड वंडर्स है. हाँ. 4x4 एक्सप्लोरर ग्रुप हमारा है. और हम उन उन जगहों पे जाते हैं जहाँ यूजुअली लोग नहीं जाते, घूमने फिरने, जहाँ नहीं एक्सप्लोर करने, explore. अपने मुल्क को देखने. हाँ. के लिए कि अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत मुल्क दिया. क्या सानिया, यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पे कराची से आप शार हैं, आप यकीन करोगे? कहाँ है? है ना, सिर्फ व्लॉग्स ही बना दे हमें, वही दिखा दे आबशार. हाँ. अच्छा. जो रिवर बेड्स हैं उनमें दोनों तरफ जो पहाड़ हैं वो मार्बल के हैं, रेड मार्बल है, ग्रीन मार्बल है. ठीक. अच्छा, अब थोड़ा सा हम और दूसरी तरफ जाते हैं. हाँ. बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कराची से एवरेज 80-100 किलोमीटर्स की आप स्पीड रखें तो आप 3 घंटे की मुसाफत पर आपको वहाँ पर मड वॉल्केनोज मिलते हैं, एक्टिव मड वॉल्केनोज. ठीक है जी, हमें पता ही नहीं ना इन चीज़ों का. और अगर हमें पता चल जाए तो हम वहाँ जाकर इतना प्लास्टिक फेंक के, मैं वही आ रहा हूँ, कुंडमलीर एक जगह करके आएंगे वहाँ. एक कुंडमलीर एक जगह जहाँ मैं 10 साल पहले गया था, तो वहाँ आदम ना आदमजाद, साफ सुथरा माहौल. तो बड़ी शूटिंग होती है उधर. अब आप देखिए हर तरफ बच्चों की नेपीज फेंकी भी होंगी, प्लास्टिक की पानी की बोतलें पड़ी भी होंगी, ये जो फ्रूट जूसेस वगैरह के डब्बे पड़े हुए होंगे. यार हम ऐसा क्यों करते हैं? मतलब आप गए हैं, आप उनको प्लास्टिक की थैलियों, अव्वल तो आप प्लास्टिक की थैलियों में लेके जाएंगे, लेकिन आप उन्हीं में वापस डाल के ले आओ ना. सुनिए, जैसे ये इन्होंने एक्सप्लोर किया, वैसे आपने जब माँ प्रोग्राम किया था तो आप ऐसे ऐसे मतलब पाकिस्तान के एरियाज में लेके गई जहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये. तो आपने भी बहुत ट्रैवल किया ना? मैंने वैसे बहुत ट्रैवल किया था अब्बू की वजह से. अच्छा. अब्बू हमें बहुत घुमाते फिराते थे. अच्छा. और समर वेकेशंस वगैरह, समर वेकेशंस में गाड़ी में ही ले जाते थे ड्राइव करके, तो हमने काफी पाकिस्तान वैसे भी देखा हुआ था. अच्छा. तो जब हमने ये माँ किया, आई थिंक माँ कैन वेरी इजीली बी द फर्स्ट रोड शो ऑफ पाकिस्तान ट्रूली, क्योंकि वो हमने बाय रोड से, मतलब हम गाड़ी में बैठते थे स्टेशन से. हाँ. और स्टेशन पर ही उतरते थे वापस. एवरीथिंग, कहीं भी हमें कोई
हम कहीं और किसी तरह ट्रैवल नहीं करते थे, बाय रोड ही जाते थे। तो समझो अक्रॉस पाकिस्तान हम गए हुए हैं गाड़ी में, और हम पहुंचते कुछ जगह तो ऐसी थी जहां रहने की कोई जगह नहीं होती थी, वहां सिर्फ ट्रक अड्डों पे होटल्स वगैरह होते थे। तो हम सिर्फ दो खवातीन थी, मैं थी और एक हमारी रिक्रूटर थी। तो वो कभी कभी हमारे जो डायरेक्टर्स थे कामरान या नीनी भी जब होता था, पहले वाला नीनी ने किया था, तो वो कहते थे यार यहाँ ठहरना ना मुनासिब नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा आप बाहर ठहरना ज़्यादा ख़तरनाक होता था अंदर। हम ऐसी ऐसी जगह मैंने देखी हैं, ऐसी ऐसी गंदी जगहों पे हम अंदर गए और हमने कहा नहीं यहाँ हम नहीं रह, यहाँ रह नहीं सकेंगे। तो फिर हम वैन में ही सोते थे, अल्लाह वैन में ही सोते थे और वहीं से उठ के सुबह निकल जाते थे। इस प्रोग्राम में उस वो प्रोग्राम हम कहते थे कमांडोज हैं हम सब, वो या हम कर सकते थे या कमांडोज कर सकते थे। सही बात है। मेरा नहीं ख्याल कि वो उस टीम के अलावा ना कोई और टीम कर सकती है। वो टीम ऐसी हो गई थी पक्की, एक दूसरे के साथ जितना हमारी वो थी ना कैमराडरी थी, बॉन्डिंग थी, क्योंकि इतनी तकलीफ और हार्डशिप हम फिर जिनके घर हम जाते थे, जिनको हम इंटरव्यू करते थे, वो अपना पिछला सारा भूल जाते थे कि क्या बकवास कर रहे हैं, क्या रात को सोने में तकलीफ हुई, क्या ये। और जब उनकी कहानी सुनते थे हमें लगता था कि क्या ये कोई बात है, कोई मसला है। ओए 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 ओए। अब मैं आपसे भी वही सवाल करूंगी जैसे इनसे किया ना, क्या आपने भी इन सवालों का जवाब दिया कि अच्छा एक्टिंग करती हैं और क्या करती हैं? हाँ। तो आपसे मैं पूछूंगी इसके अलावा आपने क्या किया और जिंदगी में, लाइक जो जॉब्स आपने अलग अलग की हैं वो क्या हैं? अच्छा एक तो मुझसे पूछते थे कि आप इतना आर्य, आपने अच्छा आपने इतना पढ़ा तो आप फिर एक्टिंग क्यों करती हैं? उल्टा पूछते थे। आपने किस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया? मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया था, मगर मैंने मास्टर्स के एग्जाम्स नहीं दिए हुए, तो मास्टर्स की डिग्री नहीं है मेरे पास, ऑनर्स की है। अच्छा। लेकिन तकरीबन मास्टर्स किया हुआ था। हाँ। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीक अपना लाइफ कोच का सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है, सो आई एम नाउ सर्टिफाइड लाइफ कोच। मगर जो मैंने और दूसरे काम किए उनमें इसी तरह के काम ज़्यादा थे, मसलन कोई प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें कोई जॉब मिल गई मुझे ऑफ एन असिस्टेंट। अच्छा। जब मैं एक्टिंग भी करती थी। हाँ। तो जब हमारे थिएटर के भी प्रोजेक्ट्स जब हम करते थे तो उसमें जब हम इस काबिल हुए कि हम थोड़ा बहुत किसी को पे कर सकें तो आई वाज ऑलवेज ऑन अ जॉब। ओके। तो अगर मैं एक्टिंग नहीं भी कर रही होती थी तो मैं बैक स्टेज मैनेजर होती थी या मैं मार्केटिंग देख रही होती थी, तो यू नो लाइक वो भी काम हम साथ साथ थोड़े बहुत, और पैसे कमाने के लिए नहीं किया कि अब करनी पड़ती है। हाँ। कभी कभी पैसे कमाने के लिए। हाँ। क्योंकि अब चॉइस नहीं है कोई, पहले मेरे पास चॉइस बहुत थी। हाँ। मैं जितने स्क्रिप्ट रिजेक्ट करती थी उतने ही कर भी पाई ना। हाँ। इतना काम किया। देखिए आप अगर आते हैं ना कोई शोबिज में तो वो सोचता है कि मैंने घर बनाना है, मैंने गाड़ी लेनी है, फलाना मेरा ड्रीम है ऐसा, वो जमीन लेनी है, मैंने दुनिया घूमनी है, ये सारी चीजें होती है। जब मैं सवाल करती हूँ ना लोगों से, वो सानिया के दिमाग में क्या था? मेरे जहन में बस ये था कि एक तो मेरा सारा शौक और मेरी सारी इंजॉयमेंट और मेरी वो सब काम था। एक तो मेरी फैमिली पूरी साथ काम में थी तो हर वक्त हम साथ होते थे, तो मेरी सारी इंजॉयमेंट ही काम है। मुझे नहीं पता अगर काम नहीं कर रहा होता तो क्या करता है इंसान जिंदगी में। तो जो मेरा फारिग वक्त होता है ना उसमें मैं अपना टाइम वॉलंटियर करती हूँ। okay. जैसे मैं ACF को अपना टाइम वॉलंटियर करती हूँ, आयशा चुंद्रिगर एनिमल रेस्क्यू फाउंडेशन को, मैं किरण फाउंडेशन को अपना टाइम एनर्जी प्यार वॉलंटियर करती हूँ। इंडस हॉस्पिटल अभी जो फ़ोन आया था आज इंडस हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट पीड्स में जो छोटा स्कूल है हमारा उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी अभी मुझे यहाँ से वहाँ जाना है। हाँ, तो हाँ। मैं वहाँ अपना टाइम डोनेट करती हूँ, मैं SIUT में अपना टाइम डोनेट करती हूँ, मैं इनके लिए वॉइस ओवर्स करती हूँ, फंड रेजर्स करती हूँ। तो जब मैं काम नहीं कर रही होती जिससे मेरा किचन चलता है जो कि टेलीविजन है जो कि काफ़ी होता है एक्चुअली, क्योंकि वही बात है कि मेरी इतनी ज़रूरियात नहीं है, मैं कम खाती हूँ, मेरी बिल्लियाँ ज़्यादा खाती हैं। तो आप जब आप यहाँ हैं तो उनको ख्याल कौन रख रहा होता? नहीं अभी तो वो घर पे अपने घर में वो सिक्योर हैं। हाँ। जानवर अपनी जगह। आपके घर में भी पेट्स हैं? दो कुत्ते हैं बहुत बड़े बड़े। अच्छा। एक बेचारा अभी थोड़े दिन पहले वो चला गया आए हैं और एक अभी है। तो किसको शौक है पेट्स का? हम सबको। सबको। और हमारे घर में बर्ड्स बहुत आती हैं। हाँ, आती हैं। मेरे यहाँ भी बर्ड्स बहुत आते हैं। सुबह हमारे घर में भी बर्ड्स बहुत। सुबह मैं पानी भर के रखता हूँ। हाँ। और सबसे पहले एक बड़ी सी चील आती है। हाँ। वो आके उसमें पानी पिएगी, नहाएगी, बाकी कव्वे और कोयल और दूसरे वेट करेंगे, वो जाएंगी, उसके बाद कव्वे उसको हाईजैक करेंगे, वो नहाएंगे, पानी वानी पिएंगे, उसके बाद फाख्ता है और दूसरे बर्ड्स आएंगी,
फिर कव्वे जो है रोटियों के टुकड़े और दूसरे लेकर आएंगे, हाँ। पानी में डुबोएंगे, नरम करके खाएंगे। अच्छा देखिए, जिंदगी के हर एज में, हर स्टेज में जो है वो आपका मी टाइम बदलता है, बिल्कुल चेंज होता है, बिल्कुल बदलता। आपका क्या है अब रिसेंट मी टाइम और आपका भी क्या है? अब मेरा मी टाइम है मेरे पौधे, मेरी बिल्लियां। शौक है आपको गार्डनिंग का? हाँ, मेरा टेरेस बहुत हरा भरा माशाल्लाह से है। हाँ, माशाल्लाह। और मेरी मेरा ज्यादातर वक्त अपने अब जानवरों के साथ गुजरता है। हाँ, सबसे ज्यादा। अब मैं कहीं मैं दौड़ती हूँ घर, वो जो आप लोग कहते थे ना मुझे हमेशा, आप कहीं आती नहीं, आप आती नहीं, आप आती, क्योंकि 10 बजे मुझे घर पहुंचना होता है, बच्चों के खाने का वक्त है। इट्स कहने की बात है कि वो हमारे पेट्स हैं। हाँ। वो फैमिली है। कभी आपने सोचा कि बच्चे अडॉप्ट कर लूं या कुछ ऐसा चीज कभी दिमाग में आती है? नहीं नहीं, भाई के बच्चे हैं। हाँ, तो वो उनकी कैसी पुप्पो हैं आप? हाँ, बहुत मैं खतरनाक वाली पुप्पो हूँ, क्योंकि वो बेचारे डिसिप्लिन करते रहते हैं और आप बिगाड़ने वाले हैं। बच्चे वो बहुत ही, वो खुद बहुत ही शरीफ नफ्स बच्चे, तो वो बिगाड़ने का उनको वो नहीं है, लेकिन मैं वो वाली फूफो हूँ ना जो मतलब पार्टी फूफो है। अच्छा, लाइक मस्त फूफो। हम हाँ। जाते हैं, हम प्लेस देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, घर पे फिल्म्स लगा के देखते हैं, पॉपकॉर्न्स हाँ। बना के। और हाँ। जब अभी तो खैर ये वाला लॉट तो बहुत बाद में आया, मैं बड़ी हो चुकी थी, लेकिन जो इससे पहले वाला लॉट था कजन्स के बच्चे, तो वो सब तो हम डांस पार्टी करते थे। और ये फन टाइम था सानिया का? ये फन टाइम था मेरा। ओ, इतना मजा करती थी मैं बच्चों के साथ, बहुत मजा आता था। वाओ, तो मैंने इतना अच्छा वक्त गुजारा है ना अपने, कि बाहर जो जैसे होता था ना कि आपकी नजर नहीं आती, तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी मुझे। अंदर फैमिली वाले इतनी बॉन्डिंग थी, और इतना काम करते थे, इतना काम, मैं बहुत काम करती थी, हिम्मत ही नहीं होती थी। क्या कहने की बात थी, सिर्फ कि हम टेलीविजन पे प्ले नहीं किया आपने, जैसे आप कहते हैं टेलीविजन पे प्ले नहीं किया, माँ जब मैं कर रही थी, I was never home, हाँ। क्योंकि I was on the road for 2 years. और कितने साल चली ये चीज़? 2 साल. Oh. So I was never home. हाँ। लेकिन अगर आप प्ले करने भी जा रहे हैं, जैसे मैं प्ले करने के संगे माँ करने के लिए गई, हाँ। तो ये सारे बच्चे मेरे साथ गाड़ी में गए, ड्रोव देयर, तो मैं गाड़ी में गई, क्योंकि बच्चे मेरे साथ जाएंगे, कहाँ रहेंगे इतने दिन। तो यू नो वो एक लाइफ स्टाइल मेरा औरों से जरा सा डिफरेंट है, वो उस तरह। आपका मी टाइम क्या है? वही गाड़ी में जाना और एक्सप्लोर करना। अभी मेरा कोई मी टाइम नहीं है। अल्लाह ऐसे नहीं कहे, मैं सही बता रहा हूँ। क्या हम लोग के पास जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि मर्द आदमी का कोई मी टाइम नहीं होता, अनलेस आप ये फील करें कि किसी बड़ी जॉब से आप रिटायर हो जाएं, तो फिर आप अपना मी टाइम होता है। लेकिन अब बच्चे जब कमाने लगते हैं तो फायदा नहीं होता कुछ? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए बच्चों के लाइफ स्टाइल, उनकी अपनी लाइफ है। हाँ। अब एक बेटा अमेरिका में है, वो अपना काम कर रहा है, जो यहाँ वाला अपना काम कर रहा है। मुझे सबको इकट्ठा एक जगह रखना है, उन सबको मॉनिटर करना है, उन सबके लिए काम करना है, बीवी के लिए काम करना है, तो हमारा कोई मी टाइम नहीं है। थोड़ा सा अगर वो कोई ही मी टाइम है, आपको पता है मेरी जान, आप सही कह रहे हो, लेकिन उसी में आपको अगर वो मैं आपसे ले लूँ ना, तो तब आपको समझ नहीं आएगी कि मैं फारिग नहीं बैठ सकता आदमी, नहीं रह सकते आप। हाँ। क्योंकि समटाइम्स फिर अगेन हर आदमी की सोच मुख्तलिफ है। अगर आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो फिर आप जिम्मेदार हैं, अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो मी टाइम। सुने इनकी तस्वीरें तो दिखाओ ना, अभी बहू आई है, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी, आपने तो जल्दी जल्दी कर दी, तो तस्वीरें तो हम दिखा देना लोगों को, बड़ी बुजुर्ग जो दुआएं देने वाली हैं उनको दिखाए, दिखाओ भाई तस्वीरें। यार आई मिस्ड माय मदर अ लॉट। ये हैं माशाल्लाह से। सो ये बेटे ने ढूंढी या आपने खुद ढूंढी? ये दोनों लॉयर्स हैं। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बड़े तीन तीन लॉयर घर में हो गए। अल्लाह, ये तो बहस छिड़ी रहती होगी कि नहीं? नहीं, आसानी हो जाती है, जल्दी सुलझ जाती है। नहीं, फजीला उनके साथ होती है, फजीला उनके साथ होती है, और ये सब मुझे सू करने, ये सब मुझे सू करने के पीछे पड़े होते हैं। चलो जितनी मट गया। ओए अल्लाह, ह्यूमन राइट्स और वाइफ्स राइट्स और ये और वो। ओ माय गॉड, माशाल्लाह, देखो जरा छोटे छोटे से बच्चे हमारे सामने, शादियां हुई है सबकी, और कैसे दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। इसलिए मैं कहती हूँ कि बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है। माशाल्लाह, देखो हम सब छोटे छोटे थे जब मिले। एग्जैक्टली, सब छोटे छोटे थे जब मिले, हमारी शादियां हुई, सबके बच्चे हुए, वो बड़े हुए, उनकी शादियां हो गई, अब उनके बच्चे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये ना इट्स अ ग्रेट रीजन, जल्दी जल्दी बताओ। हमने जो भी कमाया वो टीवी से ही कमाया, टीवी से ही कमाया। हमारे पास जो कुछ भी है वो टीवी की वजह से ही है, अल्लाह ने जो भी दिया, देने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ टेलीविजन।
अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वाकई में ये भी सोचती हूँ कि जितना जैसे मेरी अपनी फिलॉसफी ये है कि अगर आपका एक इमेज है, आपको चार लोग अगर पहचानते हैं तो यूज इट कंस्ट्रक्टिवली। तो देयरफॉर आई डू व्हाट लिटिल आई कैन डू टू कंट्रीब्यूट। आपको इन चीजों से बहुत वो कहती तस्कीन मिलती है। हाँ, मुझे मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरे जो मी टाइम की बात है, आप अपने हैंड से कुछ चेंज करना चाह रही हैं कल्चर में अपनी तरफ से, चाहे वो थोड़ा भी। हाँ, कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप लाइन की किस तरफ हैं। हाँ, आप रैंडम एग्जिस्टेंस नहीं हैं। नहीं है, एग्जैक्टली। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं देखा जाए अगर, और ये जिस शोबे से हमारा ताल्लुक है ना, हर आदमी के लिए नहीं है। हाँ, है सबके लिए लेकिन हर आदमी के लिए नहीं, नहीं। क्योंकि अब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकूँ। हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी आ जाती हैं, हमारे माशरे के हवाले से भी। हाँ, और ख़ास तौर पे हमारी फ्रेटर्निटी के हवाले से भी। हाँ, हाँ, हम मैं समटाइम्स बैठ के सोचता हूँ कि यार मैंने इतना टाइम ये काम किया है, मैंने इस शोबे को लौटाया क्या है। तो मैं उसमें अभी तक जीरो हूँ। सुनिए, अक्सर ऐसा होता है जो डॉक्टर्स के बच्चे होते हैं डॉक्टर बनते हैं, और अक्सर मैंने देखा भी है बहुत सारे एक्टर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बच्चे वो भी इसी फील्ड में आते हैं। आपके दोनों बच्चे नहीं आए इस फील्ड में? ज़ोरैन ने एक प्ले किया था कैदे तन्हाई, बचपन में किया था, किया था उसने। हाँ, चॉइस देखिए, मैंने बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया, खुला छोड़ा आपने जो। मैंने कहा देखो, एज लॉन्ग मैं जिंदा हूँ तुम लोगों को जिंदगी में जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं करियर के हवाले से कर लो, मैं नहीं हूँगा तो फिर तुम लोगों को जो है ना कॉशियस होना पड़ेगा। तुमको एक्टर बनना है बन जाओ, नहीं दिल चाहे कुछ और करना, फर्स्ट एकेडमिक्स पढ़ाई अपनी पूरी कर लो, लाइक माय फादर, उसके बाद जो मर्जी है करते रहो। तो ये अपनी चॉइस से दोनों बने हैं डॉक्टर्स। अब अहमद जो है, जो बड़ा बेटा है जिसकी अपनी तस्वीरें दिखाई, वो मैकेनिक बहुत अच्छा है, टेक्निकल है ना वो। हाँ, वो गाड़ियाँ आप उसको टूटी फूटी गाड़ी दे दें, आप में से आई है, एक हफ्ते में बना कैसे देगा कि आप खुश हो जाओ। हम नाइस। इसी तरह ज़ोरैन म्यूजिशियन बहुत जबरदस्त है, गिटारिस्ट इतना अच्छा है वो, आप उससे फुटबॉल और गिटार की हिस्ट्री पे बैठ के बात कर लें, वो आप परेशान हो जाओगे इस बच्चे को इतनी नॉलेज कहाँ से है। क्योंकि वो जो कमाता है वो सिर्फ किताबें खरीदता है। अच्छा, हमारे घर में लाइब्रेरी जो है ना वो ज़ोरैन की बहुत बड़ी है। अच्छा, मतलब उसकी वोकैबुलरी, वो समटाइम्स मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि बच्चा ये क्या, वो कॉलम्स लिखता है अंग्रेजी अखबारों के, वहाँ बाहर के अखबारों के लिए भी वो लिखता है। तो बच्चे सुने, पता ही नहीं चला। सॉरी, मैं सारा दिन कैसे शो चलाऊं, वो थी ना फरमाइश कर रही थी कि अब सारा दिन देखते रहिए आपको, लेकिन अब तो टाइम खत्म हो गया। रिपीट में देख लेना रात को 2.5 घंटे पर। थैंक यू आप लोगों के टाइम निकालने का, और आपने वो कहते ना कि अपना खून पसीना दिया है इस इंडस्ट्री को। सो हमेशा लोग आपसे प्यार करेंगे। आप लोगों ने ऐसा कोई इमेज सेट करके दिया है कि आप लोगों का कोई नेमल बदल नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई नहीं आपको रिप्लेस कर सकता। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने काम किया, टाइम दिया है और कर रहे हैं। हम आपको देखना चाहते हैं अच्छा अच्छा काम करें, ताकि आपके जरिए हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिले। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत। एक बात कह सकता हूँ, जो राइटर प्रोड्यूसर कॉन्टेंट वाले, यार मेरी एज के लोगों के लिए ये मत लिखो कि बस बाप है, दो बेटियां हैं और बीमार है, बेटी घर से भाग गई, उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अब देखो, यार कोई जवान लड़की से इश्क हुआ, शादी हुई, ग्लैमरस कैरेगा, देखिए ना अभी पैंट शर्ट पहन के आए आज। भाई इश्क शादी से निकलो, उनका दिल क्या है, शादी से निकलो। और सिर्फ आप आदमियों की बात करें, खवातीन के लिए आफ्टर 40 देयर इज नो कैरेक्टर एज इफ, और ये इसका इतना ख़राब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि 40 साल के बाद वो एग्जिस्ट नहीं करती घर में। बुशापा कहती है क्या करूँ, मर जाऊँ। जब उनके ऊपर कोई कमेंट आता है ना नीचे लिखा हुआ कि देखो अपनी उम्र देखो और क्या कपड़े, तो मुझे आके बोला उन्होंने, यहाँ कह रही क्या करूँ, खुश ना रहूँ, क्यों नहीं रहे, बिल्कुल राइट है उनका, यार बिल्कुल जिंदा रहे। और दूसरी जो कास्टिंग हो रही है ना इंस्टा के हवाले से, प्लीज इंस्टा के फॉलोअर जो है ना 20,000 रुपए मिल जाते हैं, 1 लाख या 2 लाख। हाय, बहुत सारी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे, एक और शो होना चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का शो पे आने का। थैंक यू मेजान, थैंक यू, सलामत रहो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। छोटे सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह आर्ट की बात हो रही है, सो मैं आपको एक और आर्टिस्ट, रेजिन आर्टिस्ट से मिलवाना चाहती हूँ, जिनका नाम है फलक अबुल हसन, और उनके साथ उनकी सोशल मीडिया मैनेजर हैं हफ्सा हसन। आइए उनसे मिलते हैं, उनका काम दिखाते हैं और ये पूछते हैं कि वो कौन सी ब्रांड लेकर आई हैं।
आर्ट विल ब्रांड से हैं। अस्सलाम वालेकुम। फलक आ जाओ, मैं डर क्यों रही हूँ? आ जाओ। हाँ भाई फलक, कब से कर रही हो भाई काम और क्या क्या करती हो तुम बताओ, तुम्हारी आर्ट में क्या क्या शामिल है? मैं 2 years से कर रही हूँ एंड मैंने पहले रेजिन से स्टार्ट किया। अच्छा। देन आई लर्न जेस्पोनाइट, फिर टेक्सचर्ड रेजिन। हम उसको कहते हैं कि जो ग्लास पे पेंटिंग होती है, क्या वो क्या मखसूस आर्ट होती है? इट्स अ केमिकल, बेसिकली दो केमिकल्स होते हैं जिसको मिक्स करके फिर वो एक प्रोडक्ट बनता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा। फिर उसमें कलर एडिशन होते हैं, फिर उसमें टेक्निक्स होती है, अलग अलग तरह का आर्ट होता है इसमें भी। अच्छा। एक बेसिक मैंने पहले बेसिक लर्न किया, देन आई वेंट टू मास्टर्स, फिर एडवांस एंड प्रो। अच्छा। फिर इसके बाद मैंने टेक्सचर भी लर्न किया। तो मुझे दिखाओगी कौन सी चीज है जिसको तुम ये एक्सप्लेन करना चाहोगी? मैं आपको ये बता, ये वो आर्ट है, ये बेसिकली दिस इज द रेजिन आर्ट, ये वाला, ये भी रेजिन। अगर मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊं कि ये है, ये जो ये इसके जो प्लैटर्स हैं, जी जी, ये कैसे बनाए? ये टोटली रेजिन है। अच्छा। ये मोल्ड्स में बनते हैं। अच्छा। ये आप इसको वुडन पे भी बना सकते हैं। कोई लिक्विड होता है जिसको मोल्ड्स में डाला जाता है और तुम्हें फिर शेप देती हो कि उसको शेप, कैसे? शेप दलावा वो बना हुआ होता है, मोल्ड होता है ना? होता है। और अगर आपने वुडन पे बनाना है तो यू हैव टू मेक अ MDF, उसके ऊपर फिर काम होता है। अच्छा। तो ये बेसिकली दिस इज अ होल रेजिन, और वो भी रेजिन है वो वुड पे है, ये वाला, ये ये वुड के ऊपर। हाँ, ये कुछ वुड पे काम होता है, कुछ मोल्ड्स में काम होता है। अच्छा। ये रेजिन है। अब रेजिन के ये वाला भी रेजिन में ही, ये रेजिन है विद हैंड पेंटेड। अच्छा। ये हैंड पेंटिंग के साथ है, विद बेस तुमने रेजिन से बनाया उसके बाद हैंड पेंट किया हुआ है। दिस इज द प्रो एडवांस का लेवल आपको है तो उसको वो कहा जाता है। अच्छा। एंड ये जो है जेस्मोनाइट मटेरियल है, ये भी जेस्मोनाइट है एंड दिस इज द मिक्सचर ऑफ जेस्मोनाइट एंड रेजिन। थोड़ा उठा के देखो। जी जी। ओके। ये तो बहुत प्यारा काम है यार, बट नजाकत तो तुम प्रोफेशनली करती हो उस काम को। जी। तुम्हारी कंपनी है जिसको तुम लेके चलती हो? और क्या होता है जैसे ऑर्डर्स भी तो मिलते हैं ना, लोग कभी कभी वॉल्स बनवा रहे होते हैं अलग अलग और चीजें, घर का कॉर्नर्स बनवा रहे होते हैं, कॉर्नर्स बन रहे होते हैं, फ्रेम्स बन रही होती है, जो डिजाइन पूरी फ्रेम्स बनती है वो उस पर रेजन आर्ट होता है, फिर मिरर लगता है, तो उस तरह का भी काम। मिरर्स भी बनते हैं, जैसे अभी मैंने एक मिरर वाला टेबल बनाया है, आगे हम देखे जी, मिरर वाला टेबल नजर आ रहा है वो आगे, आगे मिरर वाला, वो मिरर वाला टेबल है। हाँ। ये वुड पे है और ये वो है ट्री ट्रंक जो होता है ना, उसको लॉग। हाँ हाँ, लॉग के ऊपर। ये तीनों लाइक मतलब पता है कि जब हम बाजार जाते हैं खरीदने के लिए तो हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये आर्ट वर्क है, हमें अच्छा लगता है वहां से आया हुआ है, उधर से आया हुआ है, उस मुल्क से आया है, इस मुल्क से, अलग अलग जगह, पर ये इतना अच्छा काम हमारे मुल्क में भी हो रहा है ना। तो तुम मुझे बताओ ना, एज प्रोफेशनल बताओ कि हम कैसे खरीद सकते हैं, तुम्हें कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है? हम इंस्टाग्राम है हमारा, फेसबुक पेज है, उस पर आप हमारी चीजें सारी अपडेटेड है, हमारा बैंड चल रहा होगा ना, इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह सारे जितने भी, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह का आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो चाहिए वो आप हमें पिक्चर भेजो, या हमारे प्रोडक्ट से जो चीज आपको समझ आ रही है फिर उसकी रिक्वायरमेंट। अब जैसे फर्ज करो अभी तो तुमने छोटी टेबल्स बनाई, कोई तुम्हें कहे मुझे डाइनिंग टेबल ऐसी चाहिए, तो ये सारा काम उसमें भी हो सकता है। मैंने अभी जो लास्ट जो एग्जीबिशन ऑन एंड ऑफ फरवरी से मैं एग्जीबिशन कर रही हूं, तो उसमें जो है मैंने एक चेस्ट टेबल बनाया था, एक फ्लोरल बनाया था, वो सोल्ड आउट हो गया, तो वो मेरा काफी बड़ा था। और वो जो आप एक जो डाइनिंग टेबल्स बनते हैं उसमें बेसिकली रिवर टेबल्स बनते हैं, तो वो वुड के साथ भी बनते हैं, आप उसमें वो लोग सिर्फ रेजन का बनाना है, सिर्फ फ्लोरल बनाना है, तो वो भी बनता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें रियल फ्लावर्स डलते हैं, कुछ लोग जो होते हैं अपने गजरे होते हैं, अपनी जो बुकेज होते हैं अपनी मेमोरीज के लिए, वो दे देते हैं हमें और बोलते हैं उनको प्रिजर्व कर दें, तो वो भी हमने दिया हुआ है, शादी पे मिला है, इस तरह की निकाह ट्रेस भी बनती हैं कि वो उसके साथ पेन होता है, कि वो रिंग होल्डर होता है, लोग निकास की ट्रे बनवाते हैं इस। और मैंने जो टाइम लगता है जैसे इसको बनाने में कितनी मेहनत है, एवरी प्रोडक्ट हैज अ डिफरेंट वो उसके, क्योंकि लेयर बाय लेयर काम होता है। अब कुछ छोटी चीजें होती है वो सिंगल पोरिंग में हो जाती है, जैसे अब आपने की चेन बोले वो भी 2 दिन लगते हैं की चेन का। जी। ओ, कोई है की चेन छोटी जो रहे पेंडेंट्स बनते हैं, ये की चेन, ये भी वो रेजन है। तुम कह रही हो कि 2 दिन लगेंगे बनने में? हाँ, इसको बनने में भी 2 दिन लगते हैं। और बेसिकली इधर ही आके मुझे बताती, ये इसको बनते हुए भी 2 दिन लगते हैं और वो जो चीजें भी हैं उनको ऑलमोस्ट 3 days लगते हैं। मतलब बड़ा मेहनत का काम है यार ये, तो टाइम तो लगता है। और थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ कि प्राइस रेंज क्या होती है अगर मतलब लाइक ऑर्डर प्लेस करें? हमारी प्राइस रेंज 350 से स्टार्ट है, और फिर जिस तरह
की चीज़ रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से प्राइजेस बढ़ती जाती है. जैसे अगर ये ट्रे है निकाह ट्रे, ये 7,000 की है. अच्छा, अच्छा. ये हमारी ये क्लॉक है, ये 9,500 की है. तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के साथ. अच्छा, किसी ने जैसे अगर बना बनाई कोई चीज़ खरीदनी है, ये गिफ्ट देने में भी बहुत अच्छी लगती है, तो कोई एग्जीबिशन कोई ऐसी चीज़ है जो तुम लोगों की जहाँ से हम खरीद सकते हैं? अभी है हमारा एग्जीबिशन 3rd or 4th June को है. सैटरडे संडे आ रहा है. अभी लोकेट के साथ है हमारा. अच्छा, और किधर है ये? एंडलुसियन बैंक्वेट एरिया 51 के पास. अच्छा अच्छा अच्छा. तो उनके साथ हमारा एग्जीबिशन है. फिर हमारे इंस्टाग्राम है, तो वहाँ से भी हमारी डिटेल्स पता चल जाएंगे. अगर जो प्रोडक्ट वेरिएबल होगा वो हम आपको बता देंगे, आप हमसे फॉरन बाय कर सकते हैं. ओके, तो उस एग्जीबिशन के लिए बाकायदा तुमने पूरी तैयारी की है? ये तो दिस इज द लिमिटेड भी बिक जाएगी. हाँ जी, ये तो अभी कुछ लिमिटेड एडिशन है, बाकी तो काफी सामान है मेरे पास. बहुत चीज़ें अवेलेबल भी हैं. अगर बाय करनी है तो प्री ऑर्डर्स भी हम कर लेते हैं कि भाई ये हमने फिक्स कर लिया कि भाई आपका है, और फिर हम एग्जिबिट करके फिर आपको उस वक्त आप आके उधर बाय कर. कितने अरसे से कर रही हूँ? मैं 2 years से कर रही हूँ. हाँ. लेकिन मैंने एग्जिबिशन फेब्रुअरी से स्टार्ट किए थे. अच्छा, 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 दिस ईयर मैंने उसको एग्जिबिट करना शुरू किया, क्योंकि कोविड का भी था पहले, कुछ इश्यूज भी थे ऐसे, और वो कुछ ऐसा लग रहा था कि मार्केट नहीं होती है. लेकिन ये है कि इस ये काम ऐसा है कि आपके जितने डॉलर प्राइस बढ़े उतना आपका काम बढ़ गया. अच्छा, क्योंकि रेजन जो आता है वो आता है डॉलर्स के हिसाब से. अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा प्राइजेस ये लोगों को लगता है. इट्स एक वीडियो देखते हैं लोग, बोलते हैं कि ये तो यू फोर क्या हो गया. दिस इज नॉट द वे. मटेरियल बाहर से, मटेरियल सारा बाहर से आता है, और इसको करने में बहुत टाइम लगता है. यू नीड अ सेपरेट रूम. मेरे घर में मेरा एक सेपरेट रूम है. मेरे हस्बैंड ने मुझे एक रूम दे दिया है कि डू योर वर्क, और उस पे जो है वो मैंने सब कुछ सेटल किया हुआ है अपना. तो वो और अब बच्चों के साथ भी नहीं कर सकते. तो किसी को अगर देखना है ना कि फलक कैसा काम कर रही है, जाके हाथ लगा के देखना है, तो 3rd or 4th June को कराची में एग्जीबिशन है एंडलुसियन हॉल में, और वहाँ पे जाके फलक का काम हाथ लगा, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है इतनी नफासत है और इतनी सफाई है के लगता है बड़ा सुकून से काम हुआ है. हाँ, सुकून से काम करना, बहुत पेशेंस चाहिए इस काम के लिए. हाँ. वरना अगर जल्दी जल्दी में तो काम खराब हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको वेदर कंडीशन भी देखनी पड़ती है. वेदर कंडीशन नहीं सही हो तो उसमें आपका काम खराब हो जाता है. अच्छा. हाँ, उसके सूखने वगैरह में टाइम चाहिए. इसको टाइम, इसको क्योरिंग टाइम है 24 आवर्स का, एक लेयर का सिर्फ. इसके अलावा और क्या करती है तुम? मैंने अभी पेंटिंग की है. पेंटिंग्स तो मैं बहुत पहले से करती हूँ. पेंटिंग्स भी करती हूँ. हाँ, ये मेरी हैंड पेंटिंग्स हैं. अच्छा, ये है, वो है वहाँ पे, और ये अभी बेसिकली मैंने नया काम सीखा था. अच्छा, जो ये है, दिस इज टेक्सचर. ये थोड़ा सा उठाओ ना, ये ताकि नजर आए. ये टेक्सचर भी है, 3D भी है, और हैंड पेंटेड भी, और रेजन भी है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ 3-4 आर्ट. अच्छा, तो उसको बनाने में भी टाइम लगा. हाँ, इसको कम से कम 10 दिन लगे बनाने. तुम्हारे पेज का, इंस्टा के पेज का नाम क्या है? आर्टविल 12. अच्छा, सो फलक कुछ कहना चाहती है फैंस को अपने, कोई डिस्काउंट, कोई ऐसी ऑफर, कुछ भी लालच दो भाई कुछ हमारे प्रोग्राम में आने की. हाँ, रखी हमने ऑफर्स तो रखी हैं. हमने आपके व्यूअर्स के लिए हमने 15% ऑफ, 15% ऑफ मिल रहा है आपको. सोच लें, घर सेट करने का टाइम है, ईद करीब है भाई. ईद पे ही तो होती है सेटिंग्स की. चलो रमजान ईद वगैरह पर ज्यादा चीजें सेल आउट होती हैं. सो ग्रेट, जबरदस्त भाई, बेस्ट ऑफ लक. 3rd or 4th June को आर्टविल की लाइक आप इनकी ब्रांड्स जाके देख सकते हैं, ये इनका काम देख सकते हैं जाके एग्जीबिशन में, और फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं, कर सकते हैं इनके इंस्टा पे मैसेज करके, और सोशल मीडिया के और जो भी अकाउंट्स हैं इनके उस पर. थैंक यू सो मच फलक, एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा आइडिया मिल रहा है इससे मुझे कि डाइनिंग टेबल भी बन सकती है, कॉर्नर टेबल भी बन सकती है, बहुत सारी चीज़ें और डिजाइन हो सकती हैं. थैंक यू सो मच. तो जी, ये था आज का प्रोग्राम. उम्मीद है हमने दिन अच्छा बनाया आपका, यानी सुबह अच्छी बनाई ताकि आपका दिन अच्छा गुजर सके. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एंड खुदा हाफिज़.